राइट हाई गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवान क्या हाल चाल कैसे हैं आप लोग गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को सी ए फाइनल के बच्चों क्या हाल चाल कैसी चल रही है पढ़ाई गुड मॉर्निंग एवरीवान चलिए सो सर ये मत पूछो अभी पढ़ाई कैसी चल रही है बस चल रही है बस भाग रहे सर है ना ऑल राइट सो आप सभी का स्वागत करता हूं मैराथन रिविजन में आज से हम एफ का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैराथन शुरू कर रहे हैं आज मैं इनडीएस वन वन सिक्स खत्म करवा दूंगा कल बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन सुबह और शाम को जॉइंट वेंचर एसोसिएट फिर उसके बाद परसों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और उसके बाद वन वन फाइव जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ लाइव करना चाहते हैं अभी से ही एफ जिनके जिनका शेड्यूल कुछ ऐसा है कि अभी से ही एफ करके और दिन भर में कुछ और सब्जेक्ट भी उठाएंगे तो वो लाइव कर सकते हैं जिनका शेड्यूल कुछ अलग है वो ये लेक्चर बाद में भी यूट्यूब पे देख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने स्पीड के हिसाब से सबसे पहले तो दूसरी चीज़ सर हम ये मैराथन सेशन जो कर रहे हैं इनके लिए नोट्स कौन से रेफर करेंगे और ये नोट्स हमें कैसे मिलेंगे मैराथन सेशन के लिए मैं पूरे चार्ट बुक को रेफर करूंगा और चार्ट बुक मैंने कंप्लीटली पूरा फुल पीडीएफ लेटेस्ट चार्ट बुक और विथ माय हैंड रिटन चेंजेस हैंड रिटन नोट्स वो मैंने शेयर कर दिया है आपके साथ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ठीक है ठीक है so, सो ये जो जितने भी चार्ट्स हैं जितना कंप्लीट चार्ट बुक पूरा का पूरा चार्ट बुक मैंने आप सभी बच्चों के लिए फ्री कर दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जैसे ही उसको क्लिक करोगे आपके सामने चार्ट बुक का मैसेज सामने आ जाएगा टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हो ठीक है सो ये आप डाउनलोड करो और मैं फिर से बता देता हूं जिन बच्चों को प्रिपरेशन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करनी है वो ये लेक्चर लाइव ना भी देखे तो चलेगा आप ये लेक्चर बाद में देख सकते हो यूट्यूब पे जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार मेरा धीरे धीरे मैं अभी से ही एफ आर उठाते जाऊं तो वो मेरे साथ लाइव बने रही है ठीक है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप अपने प्री प्लान शेड्यूल को चेंज करो तो आप अपने शेड्यूल को अपने हिसाब से रखो मैं अपना कन्वीनियंस देख के आपको करवा रहा हूं पहले से ही ताकि आप बाद में जब ये लेक्चर करोगे अगर अभी लाइव नहीं कर पा रहे हो तो आप स्पीड में भी लेक्चर्स कर सकते हो ठीक है चलिए और कोई कुछ पूछना है क्या किसी को किसी को और कुछ कुछ पूछना है क्या ऑल राइट right, मैं सभी बच्चों का स्वागत करता हूं जितने भी बच्चे अवेलेबल हैं तरुण एजुकेशन वीडियो तपन विग्नेश शिवम शिवानी राजीव आर्यन अभिषेक हीना साहिल ऋषिकेशन जगत ज्योति हीना इंडिया स्नेहल गुड मॉर्निंग एवरी वन शिवम सो ये इंटर स्टूडेंट जस्ट केम टू से गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू सर वी मिस यू आई मिस यू टू गाइस इंटर वालों टेंशन मत लो बहुत सारा रिविजन डाला हुआ है यूट्यूब पर मैराथन डाला हुआ है और भी बहुत सारा रिविजन और एक मैराथन लेक्चर अभी बचा है मेरी तरफ से वो ट्वेंटी एट को आएगा ठीक है चलिए सो गुड मॉर्निंग गाइस सर क्वेश्चन भी होंगे हाँ जी क्वेश्चन भी होंगे तो ये चार्ट बुक हो गया दूसरा ये क्वेश्चन भी होंगे क्वेश्चन होंगे ये वाले मस्ट डू क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये सब कहां से मिलेगा मैंने आपको कहा कि डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे आपको डाउनलोड uh, के लिए लिंक मिलेगा उसको क्लिक करोगे टेलीग्राम पे आपको वो ले जाएगा और वहां से लिंक जब क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी अगर आप पहला वाला फोल्डर चेक करोगे फर्स्ट फोल्डर इज मैराथन नोट्स तो मैराथन रिविजन नोट्स के अंदर न फाइंड दिस सी ए फाइनल एफ आर चार्टुक उसके बाद एफ आर मस्ट डू क्वेश्चन पार्ट टू जो की क्वेश्चन है और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें जैसे इनडीएस वन वन सिक्स आज में करवाऊंगा तो वन वन सिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिल्डर इलेस्ट्रेशन सो कॉन्सेप्ट बिल्डर इलेट्रेशन भी हम डिस्कस करेंगे और मस्ट डू क्वेश्चन की पूरी लिस्ट में जो एल डी आर है आपका जो आपको मिनिमम क्वेश्चंस रेफर करने चाहिए वो भी हम करेंगे तो हम पढ़ते पढ़ते कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते साथ साथ क्वेश्चन का भी डिस्कशन करते जाएंगे और क्रक्स लेते जाएंगे। ठीक है? ये वाली बातें आपको सबको समझ में आ गई तो जो भी मटेरियल uh, मैं यूज कर रहा हूं कंप्लीटली वो मटेरियल मैं आप लोगों को अपनी तरफ से फ्री प्रोवाइड कर रहा हूं बिल्कुल भी कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है आप इस फटेरियल पे पूरा का पूरा रिलाय कर सकते हो हंड्रेड परसेंट रिलाय कर सकते हो पूरा मटेरियल पे डोंट वरी ठीक है चलिए गुड मॉर्निंग हिना खुशबू नितेश चलिए शुरू करें गाइस जा रही हूं रेडी वन वन सिक्स शुरू करने वाले हैं पर स्टार्ट करें वन वन सिक्स चलिए सो वन वन सिक्स आज हम कंप्लीट करेंगे विद क्वेश्चन डिस्कशन वन वन सिक्स इंडिया सारी बातें इस पर्टिकुलर चार्ट्स में अवेलेबल है और कुछ आपको करने की अभी जरूरत नहीं है लेट स्टार्ट वन वन सिक्स लीजेस अच्छा जो जो पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा अच्छा मैं, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा चाहे लेस इंपॉर्टेंट हो चाहे हाई इंपॉर्टेंट हो पर जो जो पार्ट लेस इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको थोड़ा जल्दी करवाऊंगा और जहां जहां मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा हल्का सा स्लो होने की जरूरत है तो मैं अपना पेस बदल दूंगा आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए मैं जो पेस रखूंगा उसमें आपको तकलीफ नहीं जाएगी हो सकता है कुछ बच्चों को लगे अरे यार, यार सर सर थोड़ा सा स्लो जा रहे हो या थोड़ा फास्ट जा रहे हो तो आप अपने हिसाब से यूट्यूब पर स्पीड मैनेज कर लीजिएगा बट आप मेरे ऊपर विश्वास रखना मैं अच्छे से आपको 116 कंप्लीट करवा लूंगा और आज जैसा 116 कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको कुछ और 116 में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी चलिए सबसे पहले पार्ट वन एप्लीकेबिलिटी एंड स्कोप तो इंडिया के बारे में इंपॉर्टेंट बात ज्यादा है नहीं है नॉन एप्लीकेबल इंडिया कहां एप्लीकेबल नहीं है बीई एल आई सी मतलब बी -E करके तुम तो एजेंट बन गए ठीक है मतलब बायोलॉजिकल एसेट बी फॉर बायोलॉजिकल एसेट बायोलॉजिकल एसेट के लीजेस के लिए वन वन सिक्स एप्लीकेबल नहीं है अगर आप एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स एक्सट्रेक्शन एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स के लिए लीजिंग कर रहे हो तो आपके लिए वन वन सिक्स एप्लीकेबल नहीं है बीई -E हो गया एल आई सी एल स्टैंड फॉर लाइसेंसिंग अरेजमेंट्स अंडर पिक्चर फिल्म

एक्सेप्शन किसको दिया गया है सिर्फ लेसी को एक्सेप्शन दिया गया ये कि तुम चाहो तो आर ओ रिकॉर्ड मत करो तुम चाहो तो लीज लाइब्रिटी रिकॉर्ड मत करो मतलब जितनी भी मेजर इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है लेसी के लिए इंडिया में कि भाई डिस्काउंटिंग रेट लेना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद कैंसिलेबल पीरियड मानना सॉरी लीज टर्म एस्टिमेट करना पड़ेगा आर ओ यू मेजर करना पड़ेगा उसके बाद लीज लाइब्रिटी मेजर करना पड़ेगा ये सब करने की जरूरत नहीं है अगर

रिन्यू करवा सकते हो मुझे लगता है कि मैं रिन्यू नहीं करवाऊंगा तो ही मैं इसको शॉर्ट टर्म मानूंगा अगर मुझे लगता है कि यार लीस्ट टर्म तो मेरा टेन मंथस का है मैं पर फर्दर फाइव मंथ्स के लिए रिन्यू करवाऊंगा तो टेन प्लस फाइव मोर देन ट्वेल्व जाएगा तो ये शॉर्ट टर्म लीज नहीं मानी जाएगी तो लीस्ट टर्म ट्वेल्व मंथ से कम होना चाहिए मंथ अप टू होना चाहिए रिन्यूअल ऑप्शन अगर है तो रीजनेबली सर्टेन नहीं है

इंडिविजुअली यूजफुल है इंडिविजुअली कैपेबल ऑफ यूजिंग है इंडिविजुअली सेल की जा सकती है इंडिविजुअली ट्रांसफर की जा सकती है अगर हां तो ही मैं लो वैल्यू लीज के अंदर एग्जेम्पन लूंगा और लास्ट असेट इज नॉट गिवन ऑन सबलीज़। लो वैल्यू की असेट लीज पर लेके अगर तुम सबलीस कर रहे हो तो तुम्हें एग्जम्पन नहीं मिलेगा तो यहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अलग थी यहां पर कंडीशन अलग थी तो लो वैल्यू लीज में भी तुम्हें एग्जम्पन मिलेगा exemption किसको है को सिर्फ और सिर्फ लेसी को है और लेसी को एग्जम्पन यह है कि अगर तुम्हारा शॉर्ट टर्म लीज है या फिर तुम्हारा लो वैल्यू लीज है तो इन दोनों में केसेस में

आइडेंटिफाइबल नहीं है तो एस करो अगर तुम्हें लगता है कि बेनिफिट तुम्हें किसी पर्टिकुलर रेशियो में मिलेगा तो तुम्हारा सिस्टमेटिक बेसिस वो रेशियो हो सकता है तो कुल मिला कि ऐसे केस में तुम आर और लीज लाइब्रेटी की अकाउंटिंग नहीं करोगे यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा मुझे तुमसे सिर्फ रिप्लाई में यस और नो चाहिए अगर डाउट नहीं है तो भी अगर डाउट है तो डेफिनेटली तुम अपना डाउट पूछना अदरवाइज मुझे रिप्लाई में यस और नो चाहिए मैं बीच बीच में आपसे बोलूंगा बेटा समझ में आया कि नहीं मैं आगे बढ़ूँगी नहीं तो यस यहां तक समझ में आया कि नहीं मैं आगे बढ़ रहा हूं तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू लीज अब यहीं पर आपको मस्ट डू क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूं मस्ट डू क्वेश्चन में आपको शॉर्ट टर्म लीज लो वैल्यू लीज के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि हां यहां पर आपको क्या समझने की जरूरत है यहां पर आपको क्या समझने की जरूरत है आइए एक क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है आपके मस्ट डू क्वेश्चन का गाइस मैं फिर से आपको बता देता हूं कंप्लीट मटेरियल मैं आपको मैराथन में जो जो मैं रेफर कर रहा हूं वो पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मैं फ्री प्रोवाइड कर रहा हूं बिल्कुल टेंशन मत लेना फ्री फ्री अवेलेबल है तो इसलिए जल्दी डाउनलोड कर लो ताकि आप हर चीज रेफर कर सको यहां पर एक क्वेश्चन है यहां पर वो बोल रहा है कि डिजाइन लीज अ कटिंग मशीन विद अ फेयर वैल्यू ऑफ वन लैक थर्टी फाइव थाउजेंड ऑन अ टू ईयर लीज टू लीज ठीक है लीज पेमेंट आर टू थाउजेंड पर कैलेंडर मंथ पेबल इन एडवांस हर महीने महीने पेमेंट होगा इन एडिशन ये जो कंपनी का नाम है कंपनी एस डी एल वर रिक्वायर टू पे फीस ऑफ फाइव थाउजेंड एट द स्टार्ट ऑफ द लीज ठीक है एस डी एल हेज एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज एग्रीमेंट आफ्टर ट्वेल्व मंथ्स विदाउट एनी पेनल्टी एंड मैनेजमेंट ऑफ एस डी एल बिलीव दैट दे आर लाइकली टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन अब देखो इस कंपनी ने मशीन को लीज पर लिया है दो साल के लिए पर यहां पर इसके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो ऑप्शन को टर्मिनेट कर सकती है आफ्टर वन ईयर और ऐसा लगता है कि वो टर्मिनेट करेगी ऐसा लगता है कि वो टर्मिनेट करेगी हाउ द लीज शुड बी बी अकाउंटेड फॉर एंड कैलकुलेट द अमाउंट टू रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब बताइए ओवरऑल लीज कितने साल का है दो साल का बट इसके पास ऑप्शन है कि वो एक साल के बाद टर्मिनेट कर सकती है और टर्मिनेट करने पर कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी और ये उनके पास रीजन टू बिलीव है कि वो टर्मिनेट करने के उनके चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं तो मुझे बताइए अगर टर्मिनेट करेंगे तो इसका मतलब ओवरऑल वो कितना महीने यूज करेंगे ओनली ट्वेल्व मंथ अगर वो मंथ यूज करेंगे तो इस लीज को आप क्या मानोगे इस लीज को आप मानोगे शॉर्ट टर्म लीज और अगर आप इस लीज को शॉर्ट टर्म लीज मानोगे और शॉर्ट टर्म लीज मानोगे तो ऐसे केस में जो आप जो भी पेमेंट कर रहे हो आप उसको पीएनएल में चार्ज करोगे अब आप बोलोगे सर पीएनएल में कैसे चार्ज करेंगे तो ध्यान से देखिए आपने यहां पर पेमेंट कितना करना है टू थाउजेंड पर कैलेंडर मंथ और इसके अलावा आप इनिशियल एक अमाउंट दे रहे हो डाउन पेमेंट फाइव थाउजेंड रुपीज का तो टू थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व टू थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व फाइव थाउजेंड कुल मिलाकर हो गया ट्वेंटी में लिया था मार्च सेवनटीन में लिया था और आपका ईयर एंडिंग क्या है, है. तो अक्टूबर आपके कितने मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त But, uh, हाँ मतलब जितने महीने हो गए उसके प्रपोर्शन के हिसाब से आप इसको बुक करोगे मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये हो गए आपके मंथ्स मंथ्स तो के हिसाब से आप इसको एसएलएम बेसिस पे एक्सपेंस बुक करोगे गाइस यहां तक ये यह वाला क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं इसका मतलब अगर लीज टर्म एक साल से ज्यादा भी है बट हमें लगता है कि हम ऑप्शन अवेल नहीं करेंगे तो ऐसे केस में अगर वो लीज टर्म मिनिमम लीज टर्म अगर आपका 12 मंथ या उससे ले से तो आपका वो शॉर्ट टर्म लीज हो जाएगा शॉर्ट टर्म लीज के केस में आप एग्जम्पशन ले सकते हो एग्जम्पशन ले सकते हो तो ऐसे केस में आप उसका लीज uh, री और एसेट बुक नहीं करोगे ये आपको आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा वापस अपन चार्ट पे चलते हैं चलिए ये हो गया पॉइंट अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं बट फिर भी हमने मस्ट डू क्वेश्चन में कुछ अपन ने को इन्वॉल्व किया है थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा यहां पर इंसेप्शन कमेंसमेंट दो डेट्स इंपॉर्टेंट होती है एक होता है इन्सेप्शन डेट एक होता है कमेंसमेंट डेट इंसेप्शन का मतलब होता है इंसेप्शन ऑफ द लीज मतलब अर्लियर ऑफ डेट ऑफ एग्रीमेंट जिस दिन लेसर लेसर के बीच में अग्रीमेंट हुआ या फिर डेट ऑफ कमिटमेंट द पार्टीज जिस दिन एग्रीमेंट नहीं भी हुआ पर लेसर ने लेसी को कमिटमेंट कर दिया कि मैं भाई तेरे को लीज पर असेट दे रहा हूं अगले महीने की फर्स्ट से तू लीज पर असेट ले ले कोई बात नहीं तो इन दोनों में से जो भी डेट पहले होगी उसको बोलेंगे इंसेप्शन ऑफ द लीज इंसेप्शन ऑफ द लीज का रिलेवेंस uh, क्या है इंसेप्शन ऑफ द लीज इस डेट पर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि लीज है कि नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सप्लायर एंड रिसीवर है वो कॉन्ट्रैक्ट लीज कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं ये आइडेंटिफाई करना है तो हमें इंसेप्शन डेट पे इंसेप्शन बात इंसेप्शन ऑफ द लीज पे आइडेंटिफाई हम फेयर वैल्यू भी आइडेंटिफाई करते हैं यहां पर हम फेयर वैल्यू मेजर करते हैं अगर ये लीज है तो उसमें असेट की फेयर वैल्यू क्या होगी दूसरा होता है कमेंसमेंट ऑफ द लीज दूसरा होता है कमेंसमेंट ऑफ द लीज कमेंसमेंट ऑफ द लीज मतलब जिस दिन एक्चुअली सेट अवेलेबल की गई लेसी को जिस दिन एक्चुअली को अवेलेबल किया गया के के यूज के लिए दैट इज कॉल्ड कमेंसमेंट कमेंसमेंट ऑफ ऑफ द द लीज लीज अब का डेट का रेलेवेंस क्या है इस दिन से एक्चुअल अकाउंटिंग शुरू होगी इस दिन से लेसर और लेसी की बुक्स में इंडियस की अकाउंटिंग शुरू होगी तो आइडेंटिफाई अलग डेट पर हुआ कि लीज है कि नहीं और अकाउंटिंग अलग डेट पर हो रही है उसके बाद वॉट इज लीज लीज क्या है लीज एक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन

कंसीडरेशन के अगेंस्ट तो देयर मस्ट बी द कंसिडरेशन अगर लीज के अंदर कंसिडरेशन नहीं है तो इसका मतलब वो लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हम अभी डिफाइन करेंगे सो लेसी मस्ट द यूज ऑफ असेट तो लेसी के पास क्या आ गया लेसी के पास आ गया राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ द असेट ठीक है

क्या लेसी अपने हिसाब से अपने तरीके से डिसीजन मेकिंग राइट्स अप्लाई कर सकता है एसेट के ऊपर हाँ अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो माना जाएगा कि लेसी के पास राइट टू कंट्रोल है तो पहला डिसीजन मेकिंग राइट्स लेसी के पास होना चाहिए और दूसरा लेसी के पास एक्सक्लूसिव राइट टू यूज होना चाहिए सो दैट लेसी विल बी एबल टू जनरेट द इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ द असेट सो लेसी के पास एक्सक्लूसिव यूज यूज करने का राइट प्लस ऑल द डिसीजन मेकिंग राइट ड्यूरिंग दैट पीरियड होना चाहिए डिसीजन मेकिंग राइट मतलब वो असेट को कैसे यूज करेगा हाउ एंड फॉर वट पर्पज दिल बी यूज यह डिसीजन मेकिंग राइट लेसी के पास होना चाहिए और इकोनॉमिक बेनिफिट में रेवेन्यू इंक्रीज uh, हो रहा है cost, uh, cost आपकी सेव हो रही है यह सारे के सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको लेसी को मिल रहे हैं तो इसका मतलब उतने पीरियड के लिए लेसी के पास माना जाएगा राइट टू कंट्रोल है इतना समझ में आएगी नहीं ये वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाइड असेट का इसके ऊपर क्वेश्चन केस uh, स्टडी में एमसीक्यू में आ सकते हैं मैं बीच बीच में आपको यह भी बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें एमसीक्यू केस सिनेरियो बेस्ड के लिए इंपॉर्टेंट है तो आइडेंटिफाइड आइडेंटिड यह भी कहा गया है है डेफिनेशन के अंदर अंदर कि जो लीज उसके मस्ट बी आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड मतलब असेट की एक सेपरेट पहचान होना जरूरी है कि लीज किस असेट का लिया गया है तो असेट मस्ट बी फिजिकली डिस्टिंक्ट पहली बात तो फिजिकली डिस्टिंक्ट होना चाहिए फिजिकली डिस्टिंक्ट असेट होना चाहिए यह इंपॉर्टेंट है दूसरा

ये कॉन्ट्रैक्ट लीज है कि नहीं तो जो लेसर है लेसर ने जो असेट हमें लीज पर दिया है क्या लेसर के पास अभी भी अच्छे खासे राइट्स कि वो जब चाहे तब अपनी मन मर्जी से को सब्सटीट्यूट कर सकता है हाँ उसने मुझे लीज पर अट दिया है फाइव इयर्स के लिए पर एक साल बाद वो सप्लायर बोल रहा है कि ये असेट वापस करो मैं तुम्हें दूसरी असेट दे रहा हूं तुम वो यूज करो पांच साल तक फिर एक दो साल बाद वो असेट मुझसे वापस लेके कोई तीसरी असेट मुझे यूज पर करने के लिए दे रहा है तो क्या सप्लायर के पास सब्सटीट्यूट करने के सबस्टेंटिव राइट्स हैं सबस्टेंटिव राइट्स मतलब अच्छा खासा राइट अब ये सब्सटीट्यूट करने के राइट्स अगर हैं तो ये देखना पड़ेगा कि क्या सप्लायर ये सब्सटीट्यूट करने के राइट्स जानबूझ के अप्लाई कर रहा है अपने खुद के बेनिफिट के लिए अगर हां तो डेफिनेटली माना जाएगा कि जो लीज़ जिस असेट के लिए की गई है वो असेट आइडेंटिफाइड नहीं है सप्लायर अपनी मनमर्जी से को बार-बार बार-बार बदल रहा है और अगर बार -बार बदल रही है तो इसका मतलब asset नहीं है लीज right तो नहीं माना जाएगा तो सप्लायर के पास सब्सटेंटिव राइटेंटिव सब्सटी राइट्स नहीं होने चाहिए अपने खुद के बेनिफिट के लिए अगर वो बदल रहा है उसके पास प्रैक्टिकल एबिलिटी है बदलने की तो इसका मतलब माना जाएगा कि उसके पास राइट्स और ये लीज लीज नहीं है बिकॉज के अंदर asset, कोई एक नहीं है बार, बार बार बदली जा रही है असेट आइडेंटिफाइड नहीं है आइए मैं आपको मस्ट डू क्वेश्चन में दिखा देता हूं मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूं कि हम किस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं आइए ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी पे आइए क्वेश्चन नंबर थर्टी पे आइए इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज प्रोवाइडर प्रोवाइड सर्विस थ्रू अ सेंट्रलाइज डेटा सेंटर दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्पेसिफाइड सर्वर कुल मिला के मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं मैं अपना सर्वर प्रोवाइड कर रहा हूं कि आप अपना डेटा मेरे सर्वर पे सेव कर सकते हो जैसे गूगल ड्राइव वैसे ही ठीक है द सप्लायर मेंटेन्स मेनी आइडेंटिकल सर्वर्स सर्वर्स मेरे पास बहुत अलग 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 हैं ठीक है ना अलग अलग लोकेशंस में हैं ठीक है और मैं इन सर्वर्स को इजीली सब्सटीट्यूट कर सकता हूं विदाउट द कस्टमर कंसेंट मान लो मैंने कस्टमर का डेटा एक पर्टिकुलर सर्वर में सेव किया है अब मान लो मुझे वो सर्वर किसी और रीजन से कहीं और यूज करना है तो मैं कस्टमर का डेटा अपने किसी दूसरे सर्वर में यूज चेंज uh, कर ट्रांसफर uh, uh, कर सकता हूँ बिना कस्टमर के कंसेंट के अब क्या है सप्लायर वुड बेनिफिट इकोनॉमिकली फ्रॉम सब्सटीट्यूटिंग दल्टरनेट असेंट अगर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो इससे सप्लायर को ही बेनिफिट हो है देखिए मतलब सप्लायर जो सर्वर प्रोवाइड कर रहा है लोगों को उसको वो जब चाहे तब अपनी मन मर्जी से सब्सिड्यूट कर सकता है फॉर इज ओन बेनिफिट बिकॉज डूइंग दिस वु अलाउ द सप्लायर टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स नेटवर्क इससे वो अपने नेटवर्क के ऑप्टिमाइजेशन बढ़ा सकता है एट अ नॉमिनल कॉस्ट इन एडिशन सप्लायर हैज मेड क्लियर दैट इट हैज नेगोशिएटेड दिस राइट ऑफ सब्सिट्यूशन एज एन इंपॉर्टेंट राइट इन द अरेंजमेंट उसने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में बोल दिया था कि मैं तो सब्सिड्यूट करता रहूंगा ठीक है एंड द दबेशन राइट अफेक्टेड द प्राइसिंग ऑफ द अरेंजमेंट स नंबर तो में यह लीज नहीं है यह असेट एक आइडेंटिफाइड नहीं है बिकॉज सप्लायर के पास जो सब्सिट्यूशन राइट है वो सब्सटेंटिव है के सेम फैक्ट एक्सेप्टेन इज कस्टमान लो एक कस्टमर को पर्टिकुलर सर्वर नंबर टेन दिया गया है कस्टमर के कस्टमाइजेशन के हिसाब से सप्लायर डज नॉट हैव द प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट द कस्टमाइज्ड असेट थ्रू आउट द पीरियड अब जितने भी पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि तुम अपना डाटा मेरे सर्वर नंबर टेन पे रखोगे फॉर एग्जांपल फाइव इयर्स के लिए तो फाइव इयर्स तक मैं इस सर्वर को नहीं चेंज करूंगा मेरे पास कोई राइट right नहीं है एडिशनली इट इज अनक्लियर नहीं हो रहा कि उसको अगर वो करेगा तो उसको होगा नहीं। कुल मिला कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट लीज कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बिकॉज यहां पर सर्वर नंबर टेन को स्पेसिफिकली एक्सप्लेटली आइडेंटिफाई किया गया है तो के में माना जाएगा कि असेट जो है वो आइडेंटिफाइड है गाइज यहां तक समझ में आया कि नहीं जल्दी मुझे रिप्लाई करके बताइए बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं

एंड वेदर इट इज वो सारे डिसीजन मेकिंग कस्टमर के पास लेसी के पास है सप्लायर वाई प्रोहिबिट सर्टेन यूजेस ऑफ व्हीकल हाँ कुछ प्रोहिबिशन उसने लगाया है कि भाई तुम ना देश के बाहर मूविंग इट ओवरसीज तुम इस वहीकल को इंडिया के बाहर नहीं लेके जा सकते मॉडिफिकेशन टू द वहीकल टू प्रोटेक्टेड सेंटर और बिना मेरे कंसर्न के तुम अपनी एसेट हमारी एसेट को मॉडिफाई नहीं कर सकते हाँ ये चलता है ये कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसे केस में इनको प्रोटेक्टिव राइट्स बोलते हैं प्रोटेक्टिव राइट्स हो सकते हैं प्रोटेक्टिव राइट्स हो सकते हैं प्रोटेक्टिव राइट्स होने के बावजूद भी सब लग रहा है कि वो सब्सिट्यूट भी नहीं कर पाएगा उसके बाद राइट टू कंट्रोल भी है तो see, lease की डेफिनेशन में राइट टू कंट्रोल भी आ रहा है और आइडेंटिफाइड एसेट भी आ रही है तो ये एक लीज है ये एक लीज है आई बात समझ में कि नहीं तो दिस इज लीज हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड अंडरस्टूड और नॉट तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई आइडेंटिफाइड और राइट टू कंट्रोल राइट टू कंट्रोल के हिसाब से किस किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है गाइज यहां तक समझ में आया कि नहीं Tell me guys, इतना समझ में आया कि नहीं and guys, जो जो बच्चे ये lecture देख रहे हैं प्लीज एक बार कर अब बहुत छोटी छोटी बातें पीरियड लीज में पीरियड वर्ड भी यूज किया गया फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम तो पीरियड का मतलब क्या हुआ पीरियड का मतलब हुआ अमाउंट ऑफ यूज ऑफ असैड एंड इंक्लूड्स नॉन ऑफ पीरियड ऑफ द टाइम तो पीरियड मतलब कितने

मिनिमम पीरियड मिनिमम सर्विंग पीरियड है और अगर इससे अगर आपने इसको टर्मिनेट किया अगर इसको सर्व नहीं किया तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी दूसरा कैंसिलेबल पीरियड कैंसिलबल पीरियड मतलब बिना कंसेंट के ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज विदाउट एनी पेनल्टी एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल मतलब यहां पर ऐसा पीरियड फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि थ्री ईयर्स आपका नॉन कैंसिलेबल पीरियड है और नेक्स्ट टू ईयर्स मतलब कुल मिला के पीरियड फाइव ईयर के लिए मैं लीज पर ले रहा हूं पर एटलीस्ट मुझे थ्री ईयर तो सर्व करना ही पड़ेगा मैं अगले दो साल में कभी भी टर्मिनेट कर सकता हूं बिना पेनल्टी के ठीक है और रिन्यूअल पीरियड रिन्यूअल पीरियड मतलब फाइव इयर्स के बाद मैं फर्दर रिन्यू करवाऊंगा कि नहीं ऑप्शन टू रिन्यू फॉर अनदर टर्म तो ये तीनों मिलकर लीस्ट टर्म में आ सकते हैं अब ये लीस्ट टर्म में कैसे आएंगे देखो नॉन कैंसिलेबल पीरियड तो आता ही आता है दूसरा रिन्यूअल पीरियड आएगा क्या रिन्यूअल पीरियड तभी आएगा जब लेसी के पास इतनी सर्टेनिटी है कि वो रिन्यू करवाएगा रिन्यू करने के चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं तो वो रिन्यूअल पीरियड को भी लेगा कैंसलेबल पीरियड को लेगा कि नहीं कैंसलेबल पीरियड को हम तभी लेंगे जब चांसेस हैं कि हम लीज को टर्मिनेट नहीं करेंगे इफ सर्टेन इट इफ इट इज सर्टेन दैट कैंसलेबल ऑप्शन विल नॉट बी अवेल्ड कैंसिलेशन ऑप्शन अवेल नहीं किया जाएगा इसकी सर्टनिटी है तो हम इसको भी लीज पीरियड में कंसिडर करेंगे तो थ्री इयर्स प्लस टू ईयर्स और प्लस जो भी रिन्यूअल पीरियड है जो अगर हमें लगता है कि हम रिन्यू करवाएंगे तो हम इनको कंसिडर करेंगे रिन्यू कर, रिन्यू करने के चांसेस अच्छे खासे हैं और कैंसिल करने के चांसेज ना के बराबर है तो हम ये दोनों को लेंगे गाइज अंडरस्टूड और नॉट तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन का पार्ट वन वन सिक्स का गाइस मुझे बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं अब अपन चल रहे हैं

तो िकॉर्ड करेगा आर ओ यू असैट और लीज लाइब्रेटी हम जर्नल एंट्री पे भी आएंगे अभी रुक जाओ तो आरोट और लीज लाइब्रेटी बुक करेगा अब आरओ यू अट और लीज लाइब्रेटी वो कैसे बुक करेगा इनिशियल रिकॉग्निशन इनिशियल रिकॉग्निशन इनिशियल रिकॉग्निशन ठीक है डाउट क्या है सर एक क्वेश्चन में लीज पीरियड थ्री मंथ्स था बट फॉर सेवन इयर्स तो आंसर इक्कीस महीने था मतलब दो साल में लीज लीज uh, चार्ज करना है क्या पीरियड में नहीं बेटा दो साल में नहीं देखो टोटल लीज पीरियड टोटल टर्म था सेवन इयर्स का पर उस टर्म के अंदर हर साल थ्री मंथ थ्री मंथ थ्री मंथ तो थ्री मल्टीप्लाई बाय सेवन मतलब ये ट्वेंटी वन मंथस का लीज पीरियड है पर हम जब एक्सपेंस बुक करेंगे तो सेवन इयर्स में उन तीन तीन महीनों में उन थ्री थ्री मंथ्स में एक्सपेंस बुक करेंगे ठीक है अब आरओ यू एसेट डिस्कस करने से पहले हम पहले लीज डिस्कस करेंगे क्या आएगा? मतलब, effect, interest, IRI, इसको कुछ लोग आई आर आर बोलते हैं इसको डिस्काउंटिंग रेट बोलते हैं वगैरह वगैरह तो हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे लीज लाइब्रिटी विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग लीज पेमेंट्स रिमेनिंग लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू अब इसमें क्या क्या आएगा इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा फिक्सड पेमेंट जो पहले दिन से फिक्स है लेस लीज इंसेंटिव माइनस करेंगे lease incentive, अगर कुछ lease incentive है तो दूसरा in substance fixed payment. In substance fixed payment मतलब जो actually में तो नहीं है पर मोर ओवर हमें पता है कि इतना तो हमें पर, हमें पे करना ही पड़ेगा इतना तो मिनिमम हमें पे करना ही पड़ेगा जैसे मान लीजिए हमें बोला गया कि मैं मशीन को मैं मशीन को लीज पर ले रहा हूं और मुझसे चार्ज किया जाएगा फाइव हंड्रेड रुपीज पर आर के बेसिस पर फाइव हंड्रेड रुपीज पर आर के बेसिस पर मुझे चार्ज किया जाएगा पर मुझे कहा गया है कि मिनिमम मिनिमम वन हंड्रेड के हिसाब से तो मुझे मशीन चलाना ही पड़ेगा मतलब फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय वन हंड्रेड मुझे मिनिमम इतना पेमेंट तो करना ही पड़ेगा तो माय इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट इज फिफ्टी थाउजेंड रुपीज अगर मैं वन हंड्रेड आर से ज्यादा चलाता हूं तो फाइव हंड्रेड पर आर के हिसाब से मुझे लीज पेमेंट देना पड़ेगा पर अगर मैं 100 आर से कम चलाता हूं तो भी मुझे 100 के हिसाब से पेमेंट करना ही पड़ेगा तो दैट इज कॉल्ड इन सब्सटेंस पेमेंट उसको हम लीज पेमेंट में लेते हैं फिर उसके बाद वेरिएबल लीज पेमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द इंडेक्स और रेट ओनली वेरिएबल लीज पेमेंट आएगा पर वेरिएबल लीज पेमेंट अगर आपका किसी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर अगर आपका किसी इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंडेंट है तो आएगा

Certain to exercise. अगर ने मुझे अट कोचेस करने का ऑप्शन दिया है और अगर मुझे लगता है कि मैं परचेस करूंगा एट द एंड ऑप्शन जो भी मुझे मिला है जितने भी परचेस करने का मुझे ऑप्शन मिला है मैं उसको कंसिडर करूंगा अब ध्यान से समझिएगा इस बात को अगर मैं परचेज प्राइस ऑप्शन को कंसिडर कर रहा हूं तो ऐसे केस में मैं जी आरवी कंसिडर नहीं करूंगा मैं जी आरवी कंसिडर नहीं करूंगा अगर तुम परचेज प्राइस ऑप्शन अवेल कर रहे हो तो फिर तुम जीआरवी क्यों दोगे सामने वाले को तुम गारंटीड रेसिडल वैल्यू तो तब दोगे ना जब तुम उसको असेट वापस कर रहे हो पर जब तुम असेट सामने वाले से परचेज कर रहे हो तो तुम फिर जीआरवी कंसीडर नहीं करोगे लास्ट पेनल्टी पेनल्टीज फॉर टर्मिनेटिंग द लीज अगर मान लीजिए मुझे कहा गया है कि अगर मैंने लीज पीरियड के दौरान उससे पहले ही प्री मतलब लीज पीरियड खत्म होने से पहले ही मैंने अगर टर्मिनेट कर दिया तो मुझे एक्स्ट्रा पेनल्टी पे करना पड़ेगा तो क्या मैं इसको लीज लाइब्रेरी में लूंगा? मैं तभी लूंगा जब मुझे एक्सपेक्टेड है कि मैं टर्मिनेट करने वाला हूं मैं टर्मिनेट करने वाला हूं मतलब अगर मैं लीज टर्मिनेट करने वाला हूं खत्म होने से पहले लीस टर्म खत्म होने से पहले तो मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी तो ऐसे केस में मैं यहां पर लूंगा अब यहां पर भी वही है कि अगर मैं पेनल्टी ले रहा हूं इसका मतलब मैं परचेज नहीं कर रहा हूं अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो मैं पेनल्टी नहीं लूंगा आई बात समझ में बोलिए ये पोर्शन आया समझ में कि नहीं आई क्या होता है इम्प्लेसिड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और ये निकाला जाता है हमेशा लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जब मैं आपको लेसर की अभी बातें बताऊंगा थोड़ी देर बाद तो मैं आपको इसको अभी करके बता दूंगा ठीक है तो ये हो गया आपका लीज लाइबिलिटी तो लीज लाइबिलिटी में फिक्स पेमेंट इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट वेरिएबल पेमेंट बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन इंडेक्स और रेट उसके बाद जी आर परचेज प्राइस ऑप्शन पेनल्टी पेनल्टी लेंगे तो परचेस नहीं लेंगे परचेज लेंगे तो पेनल्टी और जी नहीं लेंगे ठीक है बोलो बेटा यहां तक समझ में आया कि नहीं अब आरओ यू में क्या क्या आएगा हमेशा कॉस्ट कॉस्ट रिकॉर्ड होगी के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी जो भी आपने लीज लाइब्रेटी का प्रेजेंट वैल्यू निकाला है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइब्रेटी वो प्लस डाउन पेमेंट आपका यहां पर डाउन पेमेंट एड हो जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइब्रेटी आ जाएगा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो भी आप इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनिशियली आपने मान लो कुछ एक्स्ट्रा असेट के ऊपर खर्चा किया इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आप उसको कैपिटलाइज करोगे कैपिटलाइज और इसके अलावा इसके अलावा एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एट डिस्काउंटिंग रेट ये वाला वही कॉस्ट है जो इंडिया सिक्सटीन में आप डी कमिश्निंग और डिसमेंटलिंग कॉस्ट को अपनी असेट की कॉस्ट में एड करते हो लीज टर्म खत्म होने के बाद आपको डिसमेंटल करना पड़ेगा असेट को डी कमिश्निंग करना पड़ेगा और उसका कुछ एक्सपेंडिचर आएगा फ्यूचर आउटफ्लो उसका प्रेजेंट वैल्यू पे आप आर के असेट में बुक करोगे गाइस यहां तक ये पहला पोर्शन समझ में आया कि नहीं अगर आ गया तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाना चाहूंगा एक या दो क्वेश्चन अवेलेबल है वो आपको करवाना चाहूंगा और वो क्वेश्चन में जो आपको करवाऊंगा वो आपको यहां से मिलेंगे ये भी फाइल कॉन्सेप्ट बिल्डर इलेस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल्स ये वाली फाइल भी आपको वही लिंक में मिल जाएगी जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्डर एग्जाम्पल ये मिल जाएगा ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डर एग्जाम्पल्स निकालिए प्लीज और आइए आप इसको देखते हैं जल्दी मुझे रिप्लाई करिए कि आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया जल्दी मुझे रिप्लाई करिए यहां तक समझ में आया कि नहीं अब देखो यहां पर हो क्या रहा है लीज टर्म कितना है सिक्स ईयर्स का डिस्काउंटिंग रेट कितना है नाइन परसेंट डाउन पेमेंट है टू फिफ्टी एट द बिगनिंग इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कितना है वन ट्वेंटी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आपका आर में कैपिटलाइज हो जाएगा बेटा ये आर में चला जाएगा डाउन पेमेंट बेटा ये भी आर में चला जाएगा ठीक है फिक्स लीज पेमेंट कितना है फाइव लाख रुपीज फॉर द फर्स्ट ईयर फर्दर इंक्रीज बाई टेन परसेंट एवरी ईयर हर साल टेन 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 परसेंट इंक्रीज होगा सर क्या ये वेरिएबल है नहीं ये तो फिक्स है ना कि हर साल टेन टेन से वेरी इंक्रीज होगा ही होगा एनुअल पेमेंट्स टू बी मेड एट द एंड ऑफ द ईयर अच्छा मैं आपको बता दू अगर क्वेश्चन में यह नहीं बताया गया है कि एनुअल पेमेंट्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर में होंगे कि एंड ऑफ द ईयर में होंगे तो आप बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एज्यूम कर सकते हो बिगनिंग ऑफ द ईयर में एज्यूम कर सकते हो यहाँ पर बताया गया है एंड ऑफ द ईयर होंगे आगे जी आर वी है फोर फिफ्टी परचेज प्राइस ऑप्शन है ट्वेंटी फाइव लैख और पेनल्टी फॉर द टर्मिनेशन इफ टर्मिनेटेड बिफोर सिक्स ईयर ऊपर लीस्ट कितना है सिक्स ईयर अगर छह साल से पहले टर्मिनेट कर लिया तो मुझे पेनल्टी देना पड़ेगा 180 का। इट इज रीजनेबली नॉट विल नॉट एक्सीड फाइव ईयर एंड द to टू टर्मिनेट एंड विल पे penalty। ओ oh, बाप रे मतलब यहां पर हम परचेस प्राइस ऑप्शन कंसिडर नहीं करने वाले ठीक है क्योंकि हमें लग रहा है कि हम फाइव ईयर्स के बाद टर्मिनेट करेंगे मतलब हमें वन एटी देना पड़ेगा और हम जी भी लेंगे क्योंकि हम परचेज प्राइस ऑप्शन कंसिडर नहीं कर रहे तो हम जी लेंगे और हम पेनल्टी भरेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी कमिशनिंग कॉस्ट आफ्टर फिफ्थ ईयर इज थ्री लाख रुपीज शो द अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ द लेसी अब लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग क्या होगी सबसे पहले हम लीज टर्म कितना मानेंगे लीज टर्म मानेंगे हम फाइव ईयर्स का उसके बाद हम लीज लाइब्रेरी निकालेंगे लीज लाइब्रेरी में क्या क्या आएगा लीज लाइब्रेरी में आएगा सबसे पहले क्या डाउन पेमेंट आएगा नहीं लाइब्रेरी के अंदर आता है जो हम पे करेंगे फ्यूचर में डाउन पेमेंट तो मैंने पे कर दिया ना इनिशियल कॉस्ट तो मैंने पे कर दिया ना तो मैं क्या-क्या करूंगा फर्स्ट ईयर फाइव लैख पे करूंगा फिर उसके बाद टेन टेन परसेंट से इंक्रीज में पे करूंगा फाइव लैक फाइव फिफ्टी सिक्स जीरो मैं एंड में क्या पे करूंगा जीआरवी 450 और पेनल्टी 180 तो मैंने जी आरबी पे कर दिया मैंने पेनल्टी पे कर दिया कुल मिला के मैं ये सब अमाउंट पे करूंगा इन सब का मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा जो मेरा डिस्काउंटिंग रेट है 9 परसेंट मैं उसके हिसाब से मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा और मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है जीरो सेवन ये मेरी हो गई लीज लाइबिलिटी ये मेरी हो गई लीज लाइबिलिटी लीज लाइबिलिटी ये आ गई अब मेरा आर का अमाउंट क्या आएगा का अमाउंट ये तो होगा ही होगा पर इसके साथ साथ जो भी मैंने डीपी पे किया है टू का वो मैं ऐड करूंगा ठीक है उसके अलावा मैं इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पे कर रहा हूं वन ट्वेंटी का वो मैं ऐड करूंगा और डी कमिशनिंग कॉस्ट थ्री लाख रुपीज का भी मेरे आर ओ यू असट की कॉस्ट में आ जाएगा थ्री लाख रुपीज कुल मिला के मेरा आर ओय अकाउंट हो जाएगा थर्टी फोर लाख फिफ्टीन थाउजेंड एंट्री क्या होगी एंट्री होगी आर ओ यू अकाउंट डेबिट थर्टी फोर लाख फिफ्टीन थाउजेंड फिर लीज द बुक करेंगे क्रेडिट बैलेंस पर ट्वेंटी सेवन फोर्टी फाइव .45. इसके अलावा और मैं क्या बुक करूंगा मैंने अभी के अभी क्या क्या पे किया मैंने अभी टू लाख फिफ्टी थाउजेंड का डीपी पे किया और 120 का इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पे किया तो वो टू बैंक ये हो जाएगा टू बैंक थ्री लाख सेवेंटी थाउजेंड तो थ्री लाख सेवेंटी थाउजेंड का हो जाएगा बैंक आईदर टू बैंक या टू क्रेडिटर या टू लेसर अगर मैं बाद में पे कर रहा हूं तो और इसके अलावा प्रोविजन फॉर डी कमिशनिंग लाइब्रेटी थ्री लाख रुपीज आया समझ में कि नहीं फिर अब मेरी लीज लाइब्रे कितनी हो गई ट्वेंटी सेवन लैक फोर्टी फाइव थाउजेंड फाइव सेवन अब मुझे ओपनिंग बैलेंस तो इस पर निकलेगा इंटरेस्ट इंटरेस्ट पहले निकलेगा बिकॉज लीज पेमेंट एंड में थे अगर लीज पेमेंट बिगिनिंग में होते तो पहले पेमेंट माइनस होता फिर इंटरेस्ट निकलता जो भी आपका आउटस्टैंडिंग लाइब्रेरी आज आया है पहले उसमें से पेमेंट माइनस होता फिर इंटरेस्ट निकलता अगर लीज पेमेंट बिगनिंग में किए जाते तो पर यहां पर ईयर एंड में कर रहे हैं तो पहले इंटरेस्ट निकलेगा फिर पेमेंट किया और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस आया इंटरेस्ट पेमेंट क्लोजिंग बैलेंस इस तरीके से डेप्रिशिएट करेंगे को में क्योंकि फाइव ईयर्स के बाद हम असेट को वापस करेंगे आया समझ में कि नहीं मुझे बताओ ओवरऑल ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं तो इस तरीके से लेसी की अकाउंटिंग की जाएगी इस तरीके से लेसी की बुक्स की अकाउंटिंग की जाएगी बोलिए आगे बढ़ते हैं अगर आपको डाउट है बच्चों तो यहां तक पूछ सकते हो यहां तक कोई डाउट है क्या चलिए नेक्स्ट अब आपका इनिशियल रिकॉग्निशन तो आ गया अब हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट एट बैलेंस शीट इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखो मैंने इसी क्वेश्चन में आपको सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बताया कि भाई हर बैलेंस शीट डेट पर आप क्या करोगे डेप्रिशिएट करोगे दूसरा आप इंटरेस्ट बुक करोगे और आपका क्लोजिंग लाइब्रेरी आएगा तो ये वही लिखा हुआ है यहां पर कि सबसे पहले अगर आर ओ यू असैड की बात करें तो अगर आप आरओ यू के ऊपर या तो कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर सकते हो या तो आप उसके ऊपर रिवोल्यूशन मॉडल अप्लाई कर सकते हो कॉस्ट मॉडल रिवोल्यूशन मॉडल आपको इंडियस वन वन इंडियस सिक्सटीन के बेसिस पर ही अप्लाई करना पड़ेगा ठीक है पर अगर आप अपनी आर ओ यू असेट को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानते हो अगर आपने अपनी आर ओ यू असेट को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाया है तो फिर आप सिर्फ कॉस्ट मॉडल यूज करोगे फिर आप रिवल्यूशन मॉडल यूज नहीं करोगे ये समझ में आया ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है याद रखिएगा तो आर ओ यू कुड भी योर पीपीई और इट कुड भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये आपकी पीपीई हो सकती है या फिर ये आपकी आईपी हो सकती है ठीक है दूसरा चाहे पीपी हुआ चाहे आईपी हुआ कोई दिक्कत नहीं है आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे अब डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे फ्रॉम कमेंसमेंट डेट कमेंसमेंट हमने पढ़ी थी जिस दिन से असेट अवेलेबल करवाई गई यूज के लिए टू द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इफ ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड अगर मुझे परचेज प्राइस ऑप्शन दिया गया है और मैं परचेज करूंगा इसके चांसेस हैं तो डेफिनेटली मैंने परचेज प्राइस ऑप्शन अवेल किया है तो इसका मतलब मैं असेट को डेप्रिशिएट करूंगा ओवर द इंटायर यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट अगर मुझे पता है कि मैं परचेज प्राइस ऑप्शन अवेल नहीं करूंगा या मुझे परचेज प्राइस ऑप्शन दिया ही नहीं गया है मुझे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी तो ऐसे केस में फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट टू द रिमेनिंग लाइफ अट की यूजफुल लाइफ फाइव लीज टर्म है सिक्स मतलब सर ऐसे कैसे हो सकता है मैंने को term, की पर लिया है पर असेट की कंडीशन इतनी खराब है कि दो साल बाद ही मुझे समझ में आ गया कि फाइव ईयर से ज्यादा ये असेट चलेगी ही नहीं बेकार हो जाएगी तो मुझे पता है कि भले मेरा लीज टर्म सिक्स इयर्स का है पर यूजफुल लाइफ फाइव इयर्स है तो विच एवर इज लोअर द लोअर इज फाइव ईयर लोअर इज फाइव ईयर तो मैं डेफ्रीजेशन फाइव ईयरस के लिए चार्ज करूंगा ठीक है आया समझ में यहां तक बच्चों क्लियर है कि नहीं नेक्स्ट अब बढ़ते हैं लीज लाइब्रेरी के ऊपर तो ये तो हो गया आर ओ यू असेट अब बढ़ते हैं लीज लाइबिलिटी के ऊपर लीज लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे ट्रीट दिस एज फाइनेंशियल लाइब्रेट जो आपने अभी लीज लाइबिलिटी निकाली थी आप उसको बैलेंस शीट में फाइनेंशियल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करोगे ठीक है फाइनेंशियल लाइबिलिटी एज पर इंडिया वन जीरो नाइन फाइनेंशियल लाइब्रिटी वन जीरो नाइन को आप क्या करते थे आपकी फाइनेंशियल लाइब्रिटी अमोटाइज कॉस्ट बेसिस पे बुक होती थी तो इस फाइनेंशियल लाइब्रिटी के ऊपर आप इंटरेस्ट निकालोगे रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इंक्रीज द लीज लाइब्रिटी इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लीज लाइब्रिटी मतलब फाइनेंस कॉस्ट आएगी आपका फिर रिड्यूस द लीज लाइबिलिटी बाय द अमाउंट ऑफ पेमेंट जो भी आप पेमेंट करोगे उतने से आपकी लीज लाइबिलिटी कम हो जाएगी जैसा देखिए यहां पर हो रहा था कि यहां से लीज लाइबिलिटी बढ़ रही थी यहां से लीज लाइबिलिटी गिर रही थी तो जैसे जैसे पेमेंट करते रहोगे लीज लाइबिलिटी कम होती जाएगी तो यहां तक तो बातें हमने इसी क्वेश्चन के बेसिस पर कर ली अब क्या हो रहा है क्या चांसेस हैं कि आपकी लीज लाइबिलिटी चेंज हो जाए रीमेजर हो जाए क्या चांसेस हैं कि कुछ सरकम से आपकी लीज लाइबिलिटी अफेक्ट हो हाँ कुछ चांसेस हैं तो उसको बोलते हैं रीमेजरमेंट उसको बोलते हैं रीमेजर द लीज लाइबिलिटी ड्यू टू अब कुछ रीजन हो सकते हैं चेंज इन लीज टर्म हो सकता है कि आपका लीज टर्म आपने पहले इनिशियली एस्टिमेट किया था फाइव ईयरस का और अब आप लीज टर्म एस्टिमेट कर रहे हो सिक्स इयर्स क्योंकि आपको वन ईयर का रिन्यूअल ऑप्शन दिया गया था पर आप लोग पहले बोल रहे थे कि नहीं मैं वन ईयर रिन्यू नहीं करवाऊंगा अब आप बोल रहे हैं, मैं वन ईयर से रिन्यू करवाऊंगा तो अब आपका टर्म टर्म चेंज हो रहा है। तो टर्म क्यों चेंज हो हो रहा रहा है है तो क्यों बिकॉज ऑफ द रिन्यूअल ऑप्शन दूसरा चेंज इन लीज पेमेंट लीज पेमेंट बदल रहा है मान लीजिए लेसर ने पेमेंट बढ़ा दिया या लेसी ने लेसर को पेमेंट कम करने का रिक्वेस्ट किया तो लीज पेमेंट चेंज हो रहा है चेंज इन जी आरवी चेंज इन गैरंटी ड्रेस वैल्यू जी आर वी में चेंजेस हो रहा है दिया गया था पर पहले मैंने परचेज ऑप्शन को कंसिडर नहीं किया था बिना कंसिडर करे मैंने लीज लाइब्रेट निकाली थी पर दो साल बाद मुझे लग रहा है कि नहीं यार मैं असेट को परचेज करूंगा तो अब मैं लीज लाइब्रेरी को वापस से रीमेजर करूंगा बाई इंक्लूडिंग द परचेज प्राइस ऑप्शन इन सब फिक्स पेमेंट में चेंजेस हो गए इन एक्सपेरिमेंट की मुझे मिनिमम इतना तो पे करना ही पड़ेगा अब उसमें भी चेंजेस हो गए या फिर चेंज इन वेरिएबल लीज रेंट जो आपका वेरिएबल लीज रेंट इज डिपेंडिंग अपॉन द इंडेक्स और रेट है उसमें बदलाव हो गए तो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं एक दो तीन चार पांच सिक्स रीजन की वजह से आपकी लीज लाइबिलिटी में चेंजेस हो सकते हैं और आप अपनी लीज लाइब्रिटी को रीमेजर करोगे अगर आपने अपनी लीज लाइब्रिटी को रीमेजर किया तो लीज लाइबलिटी या तो बढ़ेगी या तो लीज लाइब्रिटी गिरेगी अगर लीज लाइब्रिटी बढ़ेगी तो नुकसान हुआ तो आप उसका सेकंड इफेक्ट आर ओ यू में लेके जाओगे आर ओ यू असेट करोगे अगर लीज लाइब्रिटी गिरेगी तो गेन हुआ तो लीज लाइब्रिटी अकाउंट डेबिट टू आर ओ यू असेट सेकेंड इफेक्ट आपका आर ओ यू असेट में ही जाएगा तो जो भी रीमेजरमेंट गेन और लॉस आएगा उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा आर ओ यू असेट में अब इसमें भी एक पॉइंट है आपको सामने दिख रहा होगा ब्लू कलर में कि कहीं लिखा है रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट कहीं लिखा है ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट तो जब आप लीज लाइब्रेटी को रीमेजर करते हो तो रीमेजर करने के लिए आपको डिस्काउंटिंग रेट भी चेंज करना पड़ सकता है अब वो कब करना पड़ेगा उसके लिए मैंने यहां पर एक ट्रिक बताई है कि ये जितने भी छह चेंजेस हैं आपको ये देखना देखना है कि ये चेंजेस आपकी अपनी खुद की मर्जी से हुए हैं या फिर जो चेंजेस हुए हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं थे मतलब अगर आपके कंट्रोल में नहीं थे तो उसको बोलेंगे मार्केट चेंजेस मार्केट चेंजेस मतलब नॉट इन कंट्रोल ऑफ लेसी लेसर लेसी लेसर के कंट्रोल में नहीं थे जैसे कि जैसे कि आपका जैसे कि आपका जीआरवी चेंज हो गया

लीज पेमेंट का बदलना लीज पेमेंट बदल गया बेस्ड क्योंकि लीज पेमेंट आपका मान लो वेरिएबल लीज रेंट के ऊपर उप, था तो आपका लीज रेंट बदल गया तो अगर आपके लीज रेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं लीज लाइबिलिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं अगर वो मार्केट रिलेटेड चेंजेस हैं मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं थे तो ऐसे केस में आप ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट ही लोगे आप कौन सा डिस्काउंटिंग रेट लोगे ओरिजिनल बिकॉज वो आपके कंट्रोल में नहीं थे पर अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हो जो आपके कंट्रोल में थे जैसे पहले आपने रिन्यूअल ऑप्शन चूज नहीं किया था अब आप रिन्यूअल ऑप्शन चूज कर रहे हो भाई ये तो आपके कंट्रोल में था ना पहले आप चूज कर सकते थे परचेज ऑप्शन पहले आपने चूज किया था अब आप चूज नहीं कर रहे हो तो भाई ये भी आपके कंट्रोल में था आई बात समझ में कि नहीं तो परचेज प्राइस ऑप्शन चूज करना रिन्यूअल ऑप्शन चूज करना इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट में चेंजेस करना इन चीजों का चेंजेस अगर हो रहा है मतलब एग्रीमेंट में कही जाने वाली बातों को पहले आपने कंसिडर किया था अब नहीं कर रहे हो या पहले नहीं किया था अब कर रहे हो तो ऐसे केस में आप रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट लोगे आप न्यू लाइब्रिटी निकालने के लिए रीमेजरमेंट लाइब्रेट रीमेजर्ड निकालने के लिए आप डिस्काउंटिंग रेट लोगे इतना समझ में आया कि नहीं अब एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर मल्टीपल चेंजेस हो रहे हैं एक बिकॉज ऑफ द मार्केट चेंजेस और दूसरा बिकॉज ऑफ द नॉन मार्केट चेंजेस मान लो मैं रिन्यूअल ऑप्शन भी चेंज कर रहा हूं ठीक है और मेरा वेरिएबल लीज रेंट चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ इंडेक्स अब बिकॉज ऑफ इंडेक्स चेंज हो रहा है तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है और मैं रिन्यूअल ऑप्शन भी चेंज कर रहा हूं वो मेरे कंट्रोल में था तो अगर मान लो दोनों चीजें अगर एक साथ हो रही है तो, तो आपको रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट लेना पड़ेगा बिकॉज इन एनी वे ये अट्रैक्ट हो गया ये वाला पॉइंट अट्रैक्ट हो गया तो आपको रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट लेना पड़ेगा अगर किसी क्वेश्चन में मल्टीपल चेंजेस है मार्केट नॉन मार्केट दोनों तो फिर आप रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट लोगे ये आया समझ में कि नहीं बोलिए इसके रिस्पेक्ट में मैं आपको ये वाला एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको ये समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में क्या क्या होगा आइए शुरू करें क्वेश्चन शुरू करें बच्चों यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं लीज पीरियड फाइव इयर्स टू इयर्स रिन्यूअल पीरियड सर्टेन टू एक्सरसाइज बाय द लेसी ऐसा लग रहा है कि हम एक्सरसाइज करेंगे फिक्स पेमेंट वन ट्वेंटी पर एन पेबल एट द एंड ऑफ दर इंसेंटिव ऑफ ट्वेंटी परसेंट इन द फर्स्ट ईयर पेमेंट ओनली फर्स्ट ईयर में मुझे इंसेंटिव मिलेगा तो वन ट्वेंटी का ट्वेंटी uh, परसेंट मतलब ट्वेंटी फोर फर्स्ट ईयर का पेमेंट मेरा कम होगा ठीक है माइनस कर दिया इंसेंटिव अब पेमेंट शेल बी इंक्रीज बेस्ड ऑन द करेंट प्राइस इंडेक्स ये जो भी मेरा लीज पेमेंट है यह करंट प्राइज इंडेक्स के बेसिस पर चेंज होगा मतलब यह हो गया तुम्हारा वेरियबल लीज रेंट और वेरिएबल लीज रेंट यह वाला कंसिडर होगा बिकॉज इंडेक्स है उसके बाद हमारा करंट प्राइस इंडेक्स है 1000 और ये इसके हिसाब से डिसाइड किया गया जी आरवी है टू ईयर आफ्टर सेवंथ ईयर सेवंथ ईयर इसलिए क्योंकि फाइव ईयर का टर्म हमें और अलग से मैं टू ईयर को रिन्यू करूंगा और सेवन ईयर के बाद मैं asset को purchase भी करूंगा। मतलब मैं परचेज ऑप्शन ले रहा हूं डिस्काउंटिंग रेट है टेन परसेंट इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आर में चला जाएगा डाउन पेमेंट आरओयू में चला जाएगा एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डी कमिशनिंग आफ्टर फिफ्टीन ईयर वन लैख थर्टी थाउजेंड यह भी आपका आर में चला जाएगा प्रेजेंट वैल्यू करने के बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फोर्थ ईयर के एंड में हो गया ट्वेल्व पहले था वन इंडेक्स पहले वन थाउजेंड था अब हो गया ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज नहीं ट्वेल्व हंड्रेड कैलकुलेट द लीज लाइबिलिटी आर द बिगनिंग एंड एनी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द इंडेक्स तो चेंज इन इंडेक्स तो बाद में हुआ है सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम अपना लीज पीरियड लेंगे लीज पीरियड इज अ अवन ईयर टर्म अब हम निकालेंगे लीज लाइब्रेट लीज लाइब्रेटरी कितनी निकलेगी फर्स्ट ईयर की लीज लाइब्रीटरी निकलेगी वन ट्वेंटी परसेंट कितना 96, और हर साल की फिर लीज लाइब्रेट कितनी निकलेगी वन ट्वेंटी तो हर साल का वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी यहां पर कुछ बच्चे उलझते हैं बोलते बच्चे कि सर नहीं सर फोर्थ ईयर में तो सर इंडेक्स चेंज हो रहा है ना सर फोर्थ ईयर में तो इंडेक्स चेंज हो रहा है तो सर फोर्थ ईयर के फोर्थ ईयर के से कंटिन्यू में चेंज हो जाएगा बेटा वो तो मुझे

मुझे 150 150 देना पड़ेगा तो रिन्यूअल पीरियड में 150 150 हो जाएगा तो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स उलझते हैं वो बोलते हैं कि सर uh, हमें तो फोर्थ uh, ईयर में लगा था कि uh, वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चेंज हो गया तो सर आप अप, अपना जो आंसर है वो 120 ट्वेंटी इट इज बेस्ड ऑन वन थाउजेंड ना इट शुड बी बेस्ड ऑन ट्वेल्व हंड्रेड तो सर डिवाइड बाय थाउजेंड इंटू ट्वेल्व हंड्रेड अब तो सर वन फोर्टी फोर हो जाएगा हाँ होगा पर वो फोर्थ ईयर के बिगनिंग में देखा जाएगा जब सचमुच में हम फोर्थ ईयर के बिगनिंग में पहुंचेंगे अभी हम इनिशियल रिकॉग्निशन पे खड़े तो हमें लगता है कि हमें इतना ही देना पड़ेगा इतनी बात समझ में आएगी नहीं तो हम ये सब अमाउंट देंगे इसके अलावा परचेज प्राइस ऑप्शन भी मैं अवेल कर रहा हूं तो ट्वेल्व लाख रुपीज को भी मैं करूंगा, करूंगा, तो करूंगा।, करूंगा। इसलिए क्योंकि मैं परचेज प्राइस ऑप्शन अवेल कर रहा हूं तो नो जीआरवी जीआरवी डू नॉट कंसिडर आया समझ में इन सबकी मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली टेन परसेंट पर तो इसमें आपका डाउन पेमेंट आ जाएगा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगा और इसके अलावा डी कमिशनिंग का, 130. 130 का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे थ्री वन वन टू वन तो ये तो हो गया समझ में आया कि नहीं बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं इसके हिसाब से एंट्री यहां पर क्या करेंगे हम एंट्री करेंगे आर ओ यू अकाउंट वन थ्री सिक्स सिक्स टू फाइव फाइव टू लीज लाइब्रेट वन टू वन जीरो वन थर्टी फोर सुनो मेरी बात वन टू वन जीरो वन थर्टी फोर फिर टू बैंक आप बैंक से पेमेंट करोगे वन लाख रुपीज का और फिर आपका टू प्रोविजन फॉर डी कमिशनिंग लाइब्रेरी आ जाएगा थ्री वन वन टू वन तो आपको यह करना पड़ेगा आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं एंट्री समझ में आई कि नहीं फिर आप क्या करोगे एवरी ईयर आप अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करोगे मतलब आप इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करोगे आपका लीज लाइब्रेरी है ट्वेल्थ टेन वन थर्टी फोर ट्वेल्थी फोर के हिसाब से आपने इंटरेस्ट बुक किया लीज पेमेंट दिया फिर इंटरेस्ट बुक किया लीज पेमेंट दिया फिर इंटरेस्ट बुक किया लीज पेमेंट दिया कुल मिलाकर आपका थर्ड ईयर के एंड में लीज लाइब्रेरी का कैरिंग अमाउंट आ गया ट्वेल्व फोर्टी टू फाइव ट्वेंटी एट यह आ गया आपका लीज लाइब्रेरी का कैरिंग अमाउंट इतना समझ में आया किसी नहीं। अब आपका फोर्थ ईयर के बिगनिंग में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चेंज हो रहा है इट बिकम्स 1200 और अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चेंज इंडेक्सर 120 की जगह पर हो जाएगी 144 और रिन्यूअल पीरियड के टाइम लीज लाइबिलिटी एस्टीमेट की थी चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा इट वाज बेस्ड ऑन अर्लियर शुड ऑन 1200 मतलब अभी हो जाएगा 180 तो फोर्थ ईयर से लेकर आप देखिए क्या क्या होगा फोर्थ ईयर में आपको फोर्थ ईयर में आपको 144 144 फोर वन फोर्टी फोर और फिफ्थ ईयर में भी सिक्स ईयर में 180 एटी और सेम परचेज प्राइस ऑप्शन परचेज प्राइस ऑप्शन चेंज नहीं होगा बिकॉज परचेज प्राइस ऑप्शन एग्रीमेंट का पार्ट है कि बस मुझसे ट्वेल्व लैक ही लिए जाएंगे मेरा लीज रेंट चेंज होगा बेस्ड ऑन वेरिएबल रेंट तो ये मेरा हो जाएगा और इसके बेसिस पर मैं जब वापस से रिवाइज लीज लाइब्रेटरी निकालूंगा तो मैं सेम डिस्काउंटिंग रेट ले रहा हूं क्यों बिकॉज मेरा वेरिएबल लीज रेंट चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेरा मार्केट रिलेटेड चेंज है मेरे कंट्रोल में नहीं था इसीलिए मैं ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट लूंगा ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट लेके मैंने देखा कि मेरा लीज लाइब्रेटरी थर्टीन आ रहा है अब ये थर्टीन ट्वेंटी सेवन सेवन वन फोर आ रहा है और मेरा कैरिंग अमाउंट है ट्वेल्व फोर्टी टू फाइव ट्वेंटी एट तो मेरा डिफरेंस इंक्रीज इन लीज लाइब्रेट आ गया एटी फाइव वन एटी सिक्स जिसके हिसाब से मैं आर ओ यू असेट टू लीज लाइब्रेट मैं अपना बुक करूंगा बोलो बेटा यहां तक समझ में आया कि नहीं आर ओ यू अकाउंट डेबिट टू लीज लाइब्रेटी ये समझ में आया कि नहीं बोलिए तो दिस वॉज योर दिस वॉज योर रीमेजरमेंट चलिए गाइस तो रीमेजरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको आई होप समझ में आ गया होगा अब रीमेजरमेंट के बाद हम आगे बढ़ेंगे रीमेजरमेंट के बाद हमें बताया जा रहा है कि भाई पेएडल में लेसी के पेडल में क्या क्या चीजें जाएंगी एक तो डेप्रेशन चला गया इंटरेस्ट एक्सपेंस चला गया वेरिएबल लीज पेमेंट जो इंडेक्स और रेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है वो तो डायरेक्टली चले जाएंगे और असेट आर यू असेट का जो भी हम इंपेयरमेंट करेंगे वो भी आपके पेएडल में चला जाएगा अगर आपकी शॉर्ट टर्म लीज थी या लो वैल्यू लीज थी तो वो भी तो पे एंडल में जाता ही जाता है चलिए तो ये हो गया आपका लीज टर्म ये ये आपका हो गया लेसी की बुक्स का अकाउंटिंग आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसमें कोई ज्यादा खास चीज़ें हैं नहीं वेरिएबल लीज पेमेंट जो आपके कहीं ना कहीं वेरी करते हैं या तो इंडेक्स या तो रेट के ऊपर वेरी करते हैं अगर आपका वेरिएबल लीज पेमेंट पेमेंट विच आर नॉट लिंक्ड टू इंडेक्स और रेट शेल बी डायरेक्टली चार्ज टू पी एंड फिर उसके बाद इन सबसे फिक्स पेमेंट मैं आपको बता चुका हूं फिर मैं आपको बता रहा हूं इंसेंटिव इंसेंटिव जो लेसर जो होता है वो लेसी को इंसेंटिव देता है कि तुम स्टार्टिंग में मुझे इतना पेमेंट कम देना मतलब इंसेंटिव एक तरीके का डिस्काउंट होता है हम उसको लीज रेंट से कम कर देते हैं उसके अलावा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो लेसी इनकर करता है अपनी असेट को असेट को वर्केबल कंडीशन यूजेबल कंडीशन तक पहुंचाने के लिए या तो असेट को खरीदने के लिए लीज पर देने के लिए गारंटी डेस्ट वैल्यू मतलब लेसर लेसी से जी भी मांगता है कि भाई जब तुम तो मुझे एसेट वापस करोगे तो मिनिमम फेयर वैल्यू टू लाख रुप होनी चाहिए अगर टू लाख से कम हुई तो बाकी का कॉम्पेंशन तुम तो मुझे पे करोगे डिस्काउंटिंग रेट डिस्काउंटिंग रेट आपका एक मार्केट रेट होता है डिस्काउंटिंग रेट हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम आयर लेते हैं आयर हमेशा लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला जाएगा जब मैं आपको लेसर की अकाउंटिंग बताऊंगा तो बताऊंगा कि कैसा निकलेगा अगर हम आयर नहीं निकाल पा रहे लेसिक अगर आई नहीं निकाल पा रहा तो उसके लिए सेकेंड प्रायोरिटी हो जाएगी इंक्रीमेंटल बोरइन रेट ऑफ रिटर्न या इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ लीज तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट लेगा अगर उसको आई नहीं मिल पा रहा है तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्दर अकाउंटिंग समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द लेसी यहां तक कोई डाउट यहां तक कोई डाउट बताइए बेटा जल्दी बताइए यहां तक कोई डाउट हुआ कि नहीं यहां तक कोई डाउट है कि नहीं आगे बढ़ सकता हूं मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द लेसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द लेसी लेसी के लिए कौन कौन से और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पहला लीज ऑफ मल्टीपल एसेट्स अगर मल्टीपल एसेट्स का लीज लिया गया है एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मल्टीपल एसेट्स है लैंड है बिल्डिंग है फर्नीचर है फिक्सर है बहुत सारे मल्टीपल एसेट्स है ट्रीट सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट फॉर ईच अट इफ ईच अट्स प्रोवाइड बेनिफिट ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज एंड ईच अट शुड भी इंडिपेंडेंट कुल मिला के एक ही कॉन्ट्रैक्ट में अगर मल्टीपल असेट है तो आपको यह देखना है कि क्या ये एक एज अ सिंगल प्रोजेक्ट की तरह दिख रहा है या फिर हर एक असेट इंडिविजुअली कैपेबल है इंडिविजुअल यूज होने में या फिर किसी दूसरे रिसोर्सेज के साथ वो यूज हो सकती है तो अगर असेट्स इंडिविजुअली कैपेबल हैं यूज होने में अगर वो बाय ओन यूज हो सकती है तो इसका मतलब हर एक असेट को सेपरेटली ट्रीट करोगे हर एक असेट को सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट मानते हुए हर एक असेट का सेपरेट आर बुक करोगे लीज एंड नॉन लीज कॉम्पोनेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लीज एंड नॉन लीज कॉम्पोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लीज एंड नॉन लीज कॉम्पोनेंट तो लीज एंड नॉन लीज कॉम्पोनेट का मतलब आप क्या होता है लीज एंड नॉन लीज कॉम्पोनेट का मतलब होता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर असेट को तो लीज पे लिया जा रहा है पर साथ ही साथ मैं कुछ ऐसी सर्विसेज भी आपसे ले रहा हूं या मैं आपसे गुड्स ले रहा हूं जो कि एक्चुअली लीज की कैटेगरी में नहीं आता सिंपल सा एग्जाम्पल है मैं एक गुड्स मैन्युफैक्चरर हूं पर मतलब मैं गुड्स बेचता हूं मैं मैनुफेक्चर नहीं हूं मैं गुड्स बेचता हूं मुझे गुड्स बेचने के लिए मुझे पहले गुड्स मैन्युफैक्चर करवाने पड़ते हैं किसी बाहर वाले जॉब वर्कर से अब मैंने एक एग्रीमेंट किया जॉब वर्कर से कि बॉस ऐसा करो कि आप एक मशीन खरीदो आप एक मशीन खरीदो और उस मशीन से आप प्रोडक्शन करो और आप वो प्रोडक्शन करके गुड्स मुझे बेचो मशीन का भी कॉस्ट मुझसे रिकवर करो और गुड्स का भी कॉस्ट मुझसे रिकवर करो मैं आपको यह कह रहा हूं कि मशीन खरीदने की मेरी कैपेसिटी तो नहीं है तो मैंने अपने जॉब वर्कर को बोला कि तुम मशीन खरीदो उसमें प्रोडक्शन करो और प्रोडक्शन करके गुड्स तुम मुझे बेचो और मैं तुम्हें पे करूंगा पर यूनिट के हिसाब से गुड्स परचेस मैंने मान लो तुमसे वन लाख यूनिट्स गुड्स परचेस किए तो उसके हिसाब से मुझे मैं तुम्हें पर यूनिट के हिसाब से पे करूंगा उसमें तुम्हारी मशीन की कॉस्ट भी तुम्हारी कवर हो जाएगी और तुम्हारा गुड्स भी कवर हो जाएगा अब जो मैं यहां पर गुड्स तुमसे ले रहा हूं उसमें तुम मुझसे मशीन का भी पैसा ले रहे हो तो ये एक तरीके से हो गया लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट मतलब एक तरीके से मशीन तो तुमने खरीदी पर मशीन के ऊपर पूरा कंट्रोल मेरा है यहां पर अगर मैं वो सिद्ध कर पा रहा हूं राइट टू कंट्रोल मेरा है तुम ये मशीन किसी और के लिए यूज नहीं करोगे मान लो एग्रीमेंट में पहले ही बोल दिया गया कि ये मशीन तुम किसी और के लिए यूज नहीं करोगे तो इसका मतलब शायद राइट टू कंट्रोल मेरा है तो ऐसे केस में मैं इसको लीज एंड नॉन लीज कॉम्पोनेंट बोलूंगा आप जानते हो नवंबर ट्वेंटी थ्री एग्जाम में लीज नॉन लीज कॉम्पोनेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था क्या मैं आपको वही करवा लूं क्योंकि अगर मैं आपको वो क्वेश्चन करवा लूंगा तो आपको लीज नॉन लीज कंपोनेंट की सारी बातें समझ में आ जाएंगी नवंबर 19 में एक क्वेश्चन आया था लीज नॉन लीज कंपोनेंट का ये वाला क्वेश्चन नंबर थ्री नवंबर 19 का अगर आप बोलो तो मैं आपको करवाता हूं पर उससे पहले मुझे कुछ बेसिक आपको बताने पड़ेंगे तो लीज नॉन लीज कॉम्पोनेंट लीज नॉन लीज कॉम्पोनेंट तो टू सप्लाई अदर गुड्स और सर्विज मे बी नॉन लीज कॉम्पोनेंट तो नॉन लीज कॉम्पोनेट मतलब असेट uh, के साथ साथ कुछ और भी मैं आपसे गुड्स एंड सर्विस ले रहा हूं जैसे मैं आपसे ड्राइवर ले रहा हूं ट्रक के साथ ड्राइवर ले रहा हूं मैं मशीन के साथ गुड्स ले रहा हूं वगैरह वगैरह अब क्या करना पड़ेगा अगर मैं आपको लीज कॉम्पोनेंट और नॉन लीज कॉम्पोनेंट का सिंगल अमाउंट पे कर रहा हूं

बोल रहा है कि मुझे ना लीज और नॉन लीज कॉम्पोनेंट अलग अलग करना नहीं आ रहा तो वो शॉर्टकट फॉलो कर सकता है उसको वो बोलता है प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट के हिसाब से उसको एक ऑप्शन सेगजाम्पन दिया गया है कि वो अलग अलग ना करके वो उसको सिंगल लीज कॉन्ट्रैक्ट मान सकता है मतलब है तो वो लीज नॉन लीज टोटल मिलाकर पर लेसी के लिए बोला गया है कि तुम चाहो तो नॉन लीज कॉम्पोनेंट कुछ भी मत मानो पूरे के पूरे असेट को पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को, को एक लीज सिंगल लीज कॉन्ट्रैक्ट मान लो नो नीड टू सेपरेट नॉन लीज नो नॉन लीज कंपोनेंट को अलग करने की जरूरत नहीं तुम चाहो तो ये उसको कहा गया है तो ये है उन्होंने दिया था और नवंबर ट्वेंटी के अलावा सिमिलर क्वेश्चन आपको मस्ट डू क्वेश्चन में भी दिया है सिमिलर में दिया है मैं आपको दिखा देता हूं सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको मस्ट में दिया है एक तो मैंने आपको दिया है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव अब मैं सारे क्वेश्चन आपको नहीं करवा पाऊंगा सॉरी uh, ये है आपका एक लीज एंड नॉन लीज वाला क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव ठीक है और दूसरा है आपका दूसरा क्वेश्चन भी है ये क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन और इसके अलावा एक नवंबर ट्वेंटी थ्री का क्वेश्चन नंबर थ्री नवंबर ट्वेंटी थ्री का क्वेश्चन नंबर थ्री का ए ये तीन क्वेश्चन बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है तीन आपके बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है मैं आपको नवंबर ट्वेंटी थ्री वाला करवा रहा हूं क्योंकि वो सबसे हायर कैटेगरी का क्वेश्चन है हायर कैटेगरी का क्वेश्चन है उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो नवंबर ट्वेंटी थ्री का क्वेश्चन करवाऊं मैं आपको आइए बहुत सारे बच्चे शायद नवंबर 23 वाले एग्जाम जिन्होंने दिया था वो ये क्वेश्चन को कुछ कुछ बच्चों का मुझे क्वेरी आया था कि सर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे अच्छे से मुझे बताइए आइए मैं आपको करवाता हूं आपको क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ना है आपके पास अगर ये क्वेश्चन नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है नवंबर ट्वेंटी का सजेस्ट नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं कंज्यूमर प्रोडक्ट एंटिटी एंटिटी ए एंटिटी ए जो कि एक लेसी है कंज्यूमर प्रोडक्ट एंटिटी इंटर्स इनटू द लीज एग्रीमेंट विथ एंटिटी बी लेसर फॉर ए डेडिकेटेड प्रोडक्शन लाइन टू मैन्युफैक्चर वन ऑफ इट्स स्टोर ब्रांड हाउस होल्ड प्रोडक्ट तो कुल मिला के एंटिटी ए क्या बेचती है हाउस होल्ड प्रोडक्ट बेचती है हाउस होल्ड प्रोडक्ट बेचने के लिए उसने एंटिटी बी के साथ एग्रीमेंट किया कि तू हमें हाउस होल्ड प्रोडक्ट बना के दे डेडिकेटेड प्रोडक्शन डेडिकेटेड लिख दिया मतलब तू सिर्फ मेरे लिए बनाएगा डेडिकेटेड प्रोडक्शन लाइन तो उस फैक्ट्री में सिर्फ मेरे लिए काम करेगा मैन्युफैक्चर करके देगा मुझे हाउस होल्ड प्रोडक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री इयर्स थ्री ईयर्स के लिए एंटिटी ए हैज अग्री टू ऑर्डर मिनिमम 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 वन लैख तो मेरे लिए प्रोडक्शन करेगा थ्री ईयर्स के लिए मैं साल भर में कम से कम नहीं साल नहीं पर मंथ मैं एवरी मंथ तेरे से वन लैख प्रोडक्ट परचेस करूंगा मिनिमम बेटा ये इन सबस्टैंस की कैटेगरी में आ गया एंड टू मेक अ पेमेंट टू एन टी टी बी लिमिटेड एज पर दिनिम वन लाख यूनिट पर मंथ परचेज करूंगा और मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा टू फोर्टी पर यूनिट इफ द ऑर्डर्ड क्वानिटी इज बिटवीन वन लाख टू वन ट्वेंटी अगर अप टू वन लैख ट्वेंटी तक का ऑर्डर किया मैंने तो मैं तुम्हें टू फोर्टी के हिसाब से पे करूंगा और अगर मैंने तुम्हें वन ट्वेंटी से ज्यादा ऑर्डर किया तो मैं तुम्हें टू फोर्टी सिक्स रुपीज के हिसाब से पे करूंगा तो ये प्राइस है ठीक है एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट एन टी टी ए लिमिटेड हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द प्रोडक्शन लाइन मतलब क्लियर कट बोला गया है कि यह लीज कॉन्ट्रैक्ट है बिकॉज एनटीटी ए के पास एक्सक्लूसिविव राइट्स है मतलब राइट टू कंट्रोल है एनटीटी बी कैन नॉट यूज द स्पेसिफाइड प्रोडक्शन लाइन फॉर एनी अदर कस्टमर बहुत बढ़िया सब्सिड्यूशन राइट्स नहीं है एंड द टाइप ऑफ द हाउस होल्ड प्रोडक्ट इज स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट फिजिकली डिस्टिंग भी है आइडेंटिफाइड भी है एनटीटी ए लिमिटेड इशूज इंस्ट्रक्शन टू बी अबाउट द्वालिटी क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ द प्रोडक्ट टू बिलीवर्ड एंटिटी ए उसको बता रहा है कि मुझे कितना कितना चाहिए कब कब चाहिए इफ प्रोडक्शन लाइन इज नॉट प्रोड्यूसिंग द हाउस होल्ड इट रिमेन्स आइडल अगर मैं तुम्हें क्वांटिटी ऑर्डर करने को नहीं दे रहा हूं तो तुम्हारी वो फैसिलिटी आइडल रहेगी तुम किसी और के लिए ये नहीं बनाओगे मतलब पूरा राइट right मेरे पास है ए हेज एस्टिमेटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ईच यूनिट बी लिमिटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ हर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए बी को वन नाइनटी फाइव रुपीज का एक्सपेंडिचर आएगा फर्दर द ऑब्जर्वेबल स्टैंड अलोन प्राइस फॉर द रेंट ऑफ द प्रोडक्शन लाइन इज सिक्स लाख पर मंथ अगर खा, खाली खाली वो जो फैक्ट्री है अगर मैं उसका रेंट लूं वो जो फैक्ट्री मशीन का अगर खाली खाली मैं उसको रेंट पे लूं तो सिक्सटी लाख रुपीज पर सिक्स लाख रुपीज पर मंथ का एक्सपेंडिचर आता है तो देखो बेसिकली बेटा यहां पर हो क्या रहा है ये लीज नॉन लीज कॉम्पोनेंट क्यों है एक तो मैं सामने वाले से डेडिकेटेड प्रोडक्शन लाइन रीज लीज पर ले रहा हूं मतलब वो फैक्ट्री और फैक्ट्री के अंदर रखी हुई मशीन है

आपको ट कैसे करना है allocate करना है आपको observable stand -alone price के हिसाब आप से observable stand -alone price कैसे निकलेगी एक तो जो नॉन लीज कॉम्पोनेट है नॉन लीज कॉम्पोनेंट है मतलब गुड्स तो गुड्स प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी है 195 अगर इसकी जगह पर कॉस्ट के साथ साथ अगर वो ये बोलता कि एंटिटी बी गुड्स प्रोड्यूस करती है 195 और बेचती है 210 अगर एंटिटी बी किसी भी आउटसाइड कस्टमर को बेचेगी तो 210 पे बेचेगी

इन सब्सटेंस इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट जो कि होगा वन लैख मिनिमम से मिनिमम मुझे परचेस करना है और वन लैख परचेस करना है मुझे टू फोर्टी के हिसाब से परचेस करूंगा तो वन लैख मल्टीप्लाई बाय टू फोर्टी ये हो गया ट्वेंटी फोर लैख ये हो गया पर मंथ आप जानते हो ट्वेंटी फोर लैख पर मंथ विल बी द लीज पेमेंट मतलब कंसिडरेशन लीज पेमेंट न, न बोल के हम इसको बोलेंगे कंसिडरेशन Consideration. अब मुझे इस ट्वेंटी फोर लैख को पर मंथ को सिक्सटी लैख और 195 पर, वन रुपीस पर युनित. पर युनित है तो मतलब इसको भी मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाईं मल्टीप्लाई बाय लैख मतलब ये हो गया नाइनटीन पॉइंट फाइव लैख मुझे इस ट्वेंटी फोर लैख को सिक्सटी लैख और नाइनटीन लाख थाउजेंड में मुझे अलोकेट करना पड़ेगा ये देखिए यहां पर आइए रिलेटिव स्टैंड ऑन प्राइस मुझे 24 लाख ,00 को अलोकेट करना पड़ेगा 24 लाख ,00 को अलोकेट करना पड़ेगा मुझे 60 लाख ,00 और 1 करोड़ 95 लाख ,00 के प्रपोर्शन में ठीक है मैं इनके प्रपोर्शन में जब अलोकेट करूंगा मैं अपने कंसिड्रेशन को कितने को मैं अपने को अलोकेट करूंगा 24 फोर ,00 लैख को तो मेरा जो मेरा लीज का कांसिड्रेशन आएगा वो आएगा फिफ्टी सिक्स लैखी सेवन थाउजेंड ओ सॉरी ट्वेंटी फोर लैक नहीं है ट्वेंटी फोर ,00 नहीं है टू लैख टू करोड़ फोर्टी लैख है सॉरी टू करोड़ फोर्टी लाख है वन लाख इन टू हाँ टू करोड़ फोर्टी लाख है मैंने लिखा सही था टू करोड़ फोर्टी लाख। सॉरी ये हो गया और टू करोड़ फोर्टी लाख मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय मैंने जो ये रेशियो किया इसके बेसिस पर मुझे आ गया मेरा लीज कंपोनेंट का अलग पार्ट और नॉन लीज कॉम्पोनेट का मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया आई बात समझ में कि नहीं ये मेरा जो नॉन लीज कंपोनेंट है ये मेरा पी एंडल में जाएगा और जो मेरा लीज कंपोनेंट है ये मेरा मंथली है तो इसका मतलब फाइव सिक्स फोर सेवन टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्थ तो मेरा ईयरली आ जाएगा ईयरली आ जाएगा ईयरली कितना आएगा बेटा ये आएगा सिक्सटी सेवन सेवें ये मेरा पर एन आ जाएगा और जब मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो मुझे इसका टेन परसेंट के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा मुझे डिस्काउंटिंग रेट यहां पर दिया हुआ है डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है टू पॉइंट फोर नाइन एन्यूटी फैक्टर है उसके हिसाब से मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा सिक्सटीन करोड़ एटी सेवन लैख थर्टी एट थाउजेंड थ्री थर्टी सिक्स ये मेरा आज का लीज लाइबिलिटी आ जाएगा ये मेरा लीज लाइबिलिटी आ जाएगा लीज लाइबिलिटी क्लियर हुआ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेरा लीज लाइब्रेटी इस पर बुक होगा आर पे बुक होगा और बाकी का मेरा पेंडल में जाएगा जो नॉन लीज कॉम्पोनेट है Guys, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं तो लीज नॉन लीज कॉम्पोनेंट आपने क्या किया आपने आप उस क्वेश्चन में था कुछ नहीं उस क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंट uh, ये था कि इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट को हमें लीज कंसिडरेशन uh, मानना है और उसको कंसीडरेशन को हमें अलोकेट करना है दो हिस्सों में लीज कंपोनेंट नॉन लीज कंपोनेंट में चलिए मुझे आ, आया समझ में कि नहीं आप फर्दर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव और क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन मस्ट डू क्वेश्चन की जो लिस्ट है वहां से आप ट्राई कर सकते हो ये तो लगभग लगभग नवंबर ट्वेंटी थ्री जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है जो एम टी पी नवंबर ट्वेंटी टू में आया था यह लगभग लगभग उसी के जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है बोलो बच्चों यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं हम अब आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं तो ये हो गया आपका लीज एंड नॉन लीज कॉम्पोनेंट ये हो गया लीज एंड नॉन लीज कॉम्पोनेट अब कुछ कुछ बातें बहुत सिंपल सिंपल सी है जिसको मैं थोड़ा फास्ट लेके जाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन यहां था मल्टीपल अट्स का सिंगल कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप अलग अलग मान रहे हो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मान रहे हो क्योंकि अगर असेट अलग अलग है तो पर अब है कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन जल्दी कमेंट में बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं जल्दी कमेंट में बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं एवरी वन विग्नेश, राजीव साहिल ऋतिक हीना संगीता स्मिता जगत पूजा बोलो बच्चों। ऋतिक ऑल राइट तो कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन क्या है जब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है अलग अलग असैट के टू और मोर कॉन्ट्रैक्ट इंटरड विद द सेम पार्टी इंटर एट सेम टाइम विल बी कंबाइंड एंड ट्रीटेड एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट जब दो या दो से ज्यादा सेम कस्टमर के साथ किए गए सेम टाइम पर किए गए तो इन सभी कॉन्ट्रैक्ट को सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं अलग अलग असेट के कॉन्ट्रैक्ट है अगर इसको सिंगल मान सकते हैं अगर सारे कॉन्ट्रैक्ट को एक सिंगल पैकेज में नेगोशिएट किया है अगर प्राइस सिंगल तय हुआ है या फिर कंसिड्रेशन ऑफ वन इज डिपेंडिंग अपॉन द प्राइज परफॉर्मेंस और प्राइस ऑफ अनादर मतलब आ, अलग अलग प्राइजेस हैं पर मैं बोल रहा हूँ कि मैं पहला वाला काम का पैसा तुम्हारा रोक रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा दूसरा वाला काम जब तक तुम स्टार्ट नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट का, का जो पूरा प्राइज है वो मैं तुम्हें पे, पे, पे नहीं करूँगा मतलब वन का कंसिड्रेशन दूसरे के ऊपर डिपेंड है दूसरे के परफॉर्मेंस के ऊपर और ऑल और मैक्सिमम राइट टू यूज दर सिंगल्पोन जितने भी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट किए गए अलग अलग असैट के कहीं ना कहीं एज अ होल वो सिंगल प्रोजेक्ट की तरह शो हो रहे हैं सिंगल प्रोजेक्ट की तरह शो हो रहे हैं मतलब ऐसा लग रहा है कि वो एज अल कॉन्ट्रैक्ट एक सीक्वेंस में कंप्लीट किया जाएगा और एक वो सिंगल प्रोजेक्ट को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है तो इनको माना जाए इनको अगर तीनों में से कोई कंडीशन फुलफिल हुई तो ती सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन करके सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे सिंगल RU, सिंगल लीज चलिए इतना क्लियर हुआ अब आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लीज मॉडिफिकेशन आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लीज मॉडिफिकेशन लीज मॉडिफिकेशन के बारे में सबसे पहले क्या चीज बोली गई है आपके लीज मॉडिफिकेशन के बारे में बोली गई है कि लीज मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि जब आप एडिशनल जब आप एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेस इंट्रोड्यूस करते हो तो आपको देखना होता है कि आप स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पर कर रहे हो या फिर विदाउट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पर कर रहे हो विदाउट स्टैंड अलोन प्राइस पर कर रहे हो मान लीजिए लीज ऑफ एन अट था अब एक फर्दर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करवाए गए अगर एडिशनल गुड्स एंड सर्विस इंट्रोड्यूस किए गए स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पर किए गए तो उसको सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे पर अगर एडिशनल गुड्स एंड सर्विस इंट्रोड्यूस किए गए विदाउट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पर किए गए तो उसको एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही चेंजेस करेंगे और उसको लीज कॉन्ट्रैक्ट लीज मॉडिफिकेशन बोलेंगे या फिर कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज इंट्रोड्यूस नहीं किए गए सिर्फ पेमेंट में चेंजेस किए गए सिर्फ पेमेंट uh, में चेंजेस किए गए हैं तो भी आप उसको एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी मानोगे समझ में आया कि नहीं अब इसके रिगार्डिंग मैंने आपको मस्ट डू क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर चार क्वेश्चन दिए हैं मस्ट डू क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको चार क्वेश्चन दिए हैं फोर क्वेश्चन ये चार क्वेश्चन दिए हैं बगल में इसका क्यू आर कोड भी डला है पर मैं आपको अभी इसके क्वेश्चंस का डिस्कशन भी करूंगा अभी शॉर्ट शॉर्ट में जल्दी जल्दी डिस्कस भी करूंगा तो आपकी आपको समझ में आता जाए सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं लीज़ मॉडिफिकेशन की जिसके अंदर हम सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानने वाले मतलब विदाउट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पर एडिशनल गुड्स एंड सर्विस इंट्रोड्यूस किए गए या फिर एडिशनल गुड्स एंड सर्विस इंट्रोड्यूस किए ही नहीं गए और हम अपने एग्जिस्टिंग लीज कॉन्ट्रैक्ट में ही चेंजेस कर रहे हैं तो उसका पहला केस है इंक्रीज इन लीज टर्म अगर लीज टर्म को बढ़ा दिया गया टर्म टर्म को बढ़ा दिया गया, गया ओरिजिनली बोला था कि का टर्म है इंक्रीज इन लीज टर्म क्या करोगे देखो मैं आपको एक बेसिक चीज बता दू लीज मॉडिफिकेशन की एक बेसिक चीज सुन लो लीज मॉडिफिकेशन के अंदर क्या होता है आपको कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी को कंपेयर करना है रिवाइज लीज लाइबिलिटी के साथ ऑलमोस्ट सारे केसेस में ये फंडा है कि आप कैरिंग अमाउंट को लीज लाइबिलिटी के साथ कंपेयर करो जो भी डिफरेंस आए उसका अकाउंटिंग करो लीज लाइबिलिटी बढ़ जाएगी या लीज लाइबिलिटी गिर जाएगी और जो भी बढ़ेगी गिरेगी आप उसको आर में ले जाओ लीज लाइब्रेटी की एक और लीज मॉडिफिकेशन की और भी कुछ खासियत बता देता हूं ठीक है और भी कुछ खासियत बताता हूं यहां पर आपको रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट लगेगा हमेशा यहां पर आपको रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट लगेगा ठीक है अब इसको आप कंपेयर करोगे कभी कभार रीमेजरमेंट के साथ यहां पर भी मैंने आपको रीमेजर करवाया था पर रीमेजरमेंट में और लीज मॉडिफिकेशन में बहुत बड़ा फर्क है रीमेजरमेंट मतलब ओरिजिनली मेरे को रिन्यूअल ऑप्शन दिया गया था पर पहले मैंने चूज नहीं किया अब मैं चूज कर रहा हूं

ऐसी कुछ चीजें हुई हैं जो ओरिजिनल एग्रीमेंट का पार्ट नहीं थी ओरिजिनल एग्रीमेंट में था कि एवरी मंथ रेंट लिया, लिया तो कंडीशन आपके ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी उसको एडिशनली इंट्रोड्यूस किया जा रही है उसको लीज मॉडिफिकेशन जहां पर आप रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट आपका इंक्रीज इन लीज टर्म लीज टर्म जब बढ़ेगा तो क्या करोगे अरे भाई सिंपल सी बात है आपका लीज टर्म बढ़ेगा तो आपका पेमेंट भी नंबर ऑफ ईयर्स के लिए बढ़ जाएगा तो आपको पेमेंट भी अगर नंबर ऑफ ईयर्स के बढ़ जाएगा तो आप रिवाइज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकालोगे आप रिवाइज लीज पेमेंट निकालोगे रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट पर पहले फाइव ईयर्स था फाइव ईयर्स में से टू ईयर्स हो गए बच्चे कितने थ्री ईयर्स पर हम थ्री मोर ईर्स एड कर रहे हैं तो कुल मिला कि के रिमेनिंग रिवाइज लीज निकालोगे एट लाइब्रेड डिस्काउंटिंग रेट उसको आप कंपेयर करोगे कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लाइब्रेड से आज सेकेंड ईयर के एंड में कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लाइब्रेड कितनी है कंपेयर करने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा आप उस डिफरेंस को आरओ की कॉस्ट में ले जाओगे आइए क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन टेन ईयर का लीज लाइब लीज अग्रीमेंट है एंड ऑफ ईयर डिस्काउंटिंग सिक्स परसेंट एट द बिगनिंग ऑफ द सेवेंथ ईयर लेसर लेसी अग्री टू अमेट दिनल कॉन्ट्रेक्चुअल बाय फोर ईयर कॉन्ट्रेक्टुअल लीज टर्म बाय फोर ईयर अब मुझे बताइए कि टेन ईयर्स था टेन ईयर्स में से सिक्स हो गए तो कितने बचे रिमेनिंग फोर रिमेनिंग फोर ईयर में से और फोर ईयर बढ़ा रहा है मतलब कुल अब टोटल हो गए जिसमें से सिक्स हो चुके हैं मतलब वही वही ,00 तो जो इनिशियल रिकॉग्निशन किया होगा वो तो अपने हिसाब से किया होगा उसको प्रेजेंट वैल्यू निकाला होगा सिक्स परसेंट सिक्स ईयर के एंड तक आपने लीज लाइबिलिटी निकाला होगा अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंटिंग करके ईयर के एंड में आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लाइब्रिटी आ रहा है सिक्स ईयर के एंड में आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लाइब्रिटी आ रहा है कितना थ्री फोर्टी सिक्स थ्री फिफ्टी फाइव अब आप सिक्स ईयर के एंड में रिवाइज लीज लाइब्रिटी निकालोगे रिमेनिंग एट ईयर्स के हिसाब से वन लाख रुपीज का प्रेजेंट वैल्यू सेवन परसेंट तो कितना आएगा वन लैख डिवाइड बाई वन पॉइंट जीरो सेवन एक दो तीन चार पांच छः सात आठ जी टी यह आएगा फाइव लैख नाइन सेवन थाउजेंड वन थर्टी अप्रोक्सीमेटली फाइव लैख नाइन्टी भी डिफरेंस आया टू फिफ्टी का टू फिफ्टी से आप अपनी लीज लाइबी बढ़ाओगे एंट्री करोगे टू आर ओ यू अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिटी क्लियर हुआ ये कौन सा केस था जब आप सिर्फ और सिर्फ लीज टर्म में चेंजेस कर रहे हो ये हो गया पहला पहला केस करने के बाद थर्ड केस देखिए सेम होता है चेंज इन द दंसिडरेशन ओनली विदाउट चेंज इन लीस्ट टर्म विदाउट चेंज इन लीस्ट टर्म आपका चेंज हो रहा है मतलब अब या तो आपका लीस्ट टर्म चेंज हो रहा है ठीक है या तो आपका कंसिडरेशन चेंज हो रहा है पहला लीस्ट टर्म बढ़ गया तो आपने रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट के हिसाब से लाइब्रेड निकाली कंपेयर किया आ, कैरिंग अमाउंट के साथ और डिफरेंस को आरोप मिलेगा आपका लीस्ट टर्म चेंज नहीं हो रहा है मतलब लीज टर्म इंक्रीज नहीं हो रहा है आपका सिर्फ कंसिडरेशन चेंज हो रहा है कंसिडरेशन चेंज हो रहा है मतलब इंक्रीज डिक्रीज या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज कंसिडरेशन चेंज हो रहा है और कंसीडरेशन चेंज हो रहा है तो आप सेम टू सेम केस वन की तरह करोगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री आप रेफर कर लेना आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन फोर्टी थ्री अब रेफर कर लेना क्यू आर कोड भी है आपको समझ में आ जाएगा कंसिडरेशन प्लस माइनस हो रहा है रिवाइज अमाउंट निकालो लीज लाइब्रटी का बेस्ड ऑन न्यू डिस्काउंटिंग रेट कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करो जो भी इंक्रीज डिक्रीज आया चेंजेस करो बताओ ये समझ में आया कि नहीं बताओ जी ये समझ में आया कि नहीं बोलो जी समझ में आया कि नहीं फिर अब आते हैं केस नंबर तू पे जहां पर आपका लीज लाइब्रेटी डिक्रीज हो रहा है आपका लीज लाइब्रेटी डिक्रीज हो रहा है लीज लाइब्रिटी इंक्रीज हो रहा था यहां पर अब आपका लीज लाइब्रेटी डिक्रीज हो रहा है यहां पर आपको दो स्टेप में काम करना है स्टेप वन और स्टेप तू. स्टेप और के अंदर आप सबसे पहले आर ओ यू के कैरिंग अमाउंट को और लीज लाइब्रेटी के कैरिंग अमाउंट को प्रपोर्शनेटली रिड्यूस करोगे क्योंकि लीज टर्म कम हो रहा है जैसे आपका जो भी आर ओ यू का कैरिंग अमाउंट है आज आज जो भी आपका आर ओ यू का कैरिंग अमाउंट है उसके हिसाब से आपका लीस्ट टर्म चेंज हो रहा है तो आपने आर ओ यू निकालते वक्त आपने कितना पहले किया था अब उसमें क्या चेंजेस हो रहा है तो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रिमेनिंग टर्म ओरिजिनल रिमेनिंग टर्म मल्टीप्लाई बाय न्यू रिवाइज रिमेनिंग टर्म न्यू रिवाइज रिमेनिंग टर्म क्वेश्चन नंबर अपन 44 बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली आप आर ओ यू के कैरिंग अमाउंट को चेंज कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल आपका जो लीज टर्म था वो था टेन ईयरस का टेन ईयरस में से थ्री ईयर्स हो गए कितने बचे सेवन अब आप डिक्रीज कर रहे हो लीज टर्म डिक्रीज कर रहे हो आप बोल रहे हो यार नहीं बस अब ना सेवन नहीं सेवन के बजाय आप बस फाइव ईयर्स के लिए करोगे ये हो गया रिवाइज्ड तो आपका आर का अमाउंट आज कैरिंग अमाउंट बचा था फॉर एग्जाम्पल फाइव लैख लैक आपका बचा था सेवन ईयर्स के हिसाब से बट अब आपका 5, अब आपका यू होना चाहिए अब आपका आर होना चाहिए फाइव ईयर के हिसाब से तो आर चेंज कर रहे हो आप आर की कैरिंग अमाउंट को चेंज कर रहे हो तो आपने आर को रिड्यूस कर दिया तो टू आर कर दिया आपने वैसे ही आपने लीज लाइब्रेटी कैरिंग अमाउंट को डिक्रीज कर दिया बेस्ड ऑन द रिवाइज लीज पहले आपने टेन ईयर्स माना था थ्री ईयर्स आपका हो चुका है रिमेनिंग कितना बचा सेवन ईयर्स रिमेनिंग बचा आपका सेवन ईयर्स ठीक है बट अब आपका रिमेनिंग बचना चाहिए फाइव ईयर्स क्योंकि आप लीज टर्म चेंज कर रहे हो तो फाइव ईयर्स के हिसाब से अगर आप रिवाइज लीज लाइब्रेरी निकालोगे रिवाइज लीज लाइब्रेड शुड बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट फॉर द रिवाइज लीज पेमेंट लीज टर्म एट ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट ठीक है अब मैं आपको वापस से बताऊं यहां पर थोड़ा सा उसमें स्लो चल रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि ये थोड़ा सा सोच के चलिए पहले आप आपका लीज टर्म रिमेनिंग बचा था सेवन अब बचाए फाइव तो रिमेनिंग फाइव इयर्स के हिसाब से आप रिवाइज लीज लाइब्रेरी निकालोगे यहां पर आपको ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट लेना है स्टेप नंबर वन में अब आपकी यहां पर लीज लाइब्रेरी चेंज हो गई लीज आर चेंज हो गया और आपने एंट्री कर दी लीज लाइब्रेरी अकाउंट डेबिट टू आर टू गेन और गेन चला गया आपका पी एंडल में ठीक है अब स्टेप टू में आपने जो लीज लाइब्रेटी चेंज की थी वो आपने ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट के हिसाब से की थी अब आप वापस से रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट के हिसाब से रीमेजर करोगे लीज लाइब्रेटी को और जो भी चेंजेस आएंगे वो आप आर ओ यू में बुक करोगे ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्टी अगर आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी आई नहीं 44 है क्या है हां 44 है पर क्वेश्चन नंबर 44 में एक्चुअली क्या हो रहा है आरओयू का स्कोप भी बढ़ रहा है मतलब पहले 5000 स्क्वायर फीट का स्पेस लिया था अब मैं 2000 का स्क्वायर फीट का स्पेस और बढ़ा रहा हूं तो क्वेश्चन नंबर 44 में आपको एक साथ करवाऊंगा जब केस टू और केस 5 करवाऊंगा तो केस 2 हां ये अब आते हैं अपन केस 5 में केस 5 में केस 5 बोल रहा है इंक्रीज इन द स्कोप ऑफ आरओयू आपका आर ओ यू बढ़ रहा है मतलब आपने पहले फाइव थाउजेंड स्क्वायर फीट का स्पेस लिया था अब आप टू थाउजेंड का स्क्वायर फीट का स्पेस और एडिशनल बढ़ा रहे हो तो एडिशनल आर ओ यू बढ़ा रहे हो विदाउट स्टैंड ऑन सेलिंग प्राइस तो ऐसे केस में आप एडिशनल लीज लाइब्रिटी निकालोगे बिकॉज अब आपका पेमेंट बढ़ जाएगा क्योंकि आप एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हो आप एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हो तो आपका पेमेंट बढ़ जाएगा तो आपकी लीज लाइब्रिटी नहीं निकलेगी और आपका आर ओ यू भी निकलेगा और आप उसको एग्जिस्टिंग आर ओ यू और लीज लाइब्रिटी में एड कर दोगे तो यह बहुत ही सिंपल है केस फाइव अब इसकी का पूरा पूरा फंडा फोर्टी फोर नंबर क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा आइए क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर यहां पर टेन इयर्स का लीज टर्म है टू थाउजेंड स्क्वायर फीट का स्पेस ओरिजिनली दिया गया है लीज पेमेंट्स आपके वन लाख ,00 रुपीज है टेबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर उसके बाद सिक्स परसेंट का डिस्काउंटिंग है बिगनिंग ऑफ सिक्स लेसर अमेंड अमेंड द ओरिजिनल लीज बिगिनिंग में अमेंड किया तो सबसे पहले तो आपका इनिशियल uh, वैल्यू कितना आएगा इनिशियल आएगा वन लाख डिवाइड बाय वन पॉइंट जीरो सिक्स टेन ईयर्स के हिसाब से टेन ईयर्स के हिसाब से आएगा सेवन लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड सेवन लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड आपका आ गया तो आपने सेवन लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड पे बुक कर लिया इनिशियल आपका सेवन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड पर आपने बुक कर लिया ठीक है बेटा सेवन थर्टी नाइन सेवन सेवन थर्टी फाइव नाइन बुक कर लिया इसके हिसाब से आप अनवाइंडिंग करोगे कितने साल हो गए सिक्स ईयर्स हो गए तो सिक्स ईयर्स होते होते आपकी रिमेनिंग लीज लाइब्रेरी कितनी बचेगी फोर ट्वेंटी वन जीरो नाइन जीरो सिक्स ईयर्स के बिगनिंग में

रिड्यूस द लीज टर्म फ्रॉम टेन ईयर टू एट ईयर्स अब आप लीज टर्म भी रिड्यूस कर रहे हो मतलब के years थे, कितने साल हो चुके थे फाइव ईयर्स हो चुके थे तो कितने बचे? 5. 5 में से आप अब आप दो साल कम कर रहे हो मतलब रिमेनिंग बचे थ्री इयर्स द एनुअल फिक्स पेमेंट फॉर थर्टी फाइव स्क्वायर फीट टू बी वन लैख फिफ्टी थाउजेंड पहले टू थाउजेंड का था 1500 का तो 3500, 3500 का बढ़ा दिया मिलाकर हम हम पे करेंगे 150. 150. हम 150 पे करेंगे करेंगे पूरा पेमेंट रिवाइज हो गया नेक्स्ट में और डिस्काउंटिंग रेट है सेवन परसेंट अब आप ध्यान से देखिए कि करना क्या है कंसिडेशन फॉर द इंक्रीज इन द स्कोप ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड स्क्वायर मीटर ऑफ स्पेस इज नॉट कमेंट्रेड विदैंड लोन सेलिंग प्राइस फॉर दैट इंक्रीज एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द सर्कम चांसेस कंसिक्वेंटली लेसी डज नॉट अकाउंट फॉर द इनक्रीज इन स्कोप दैट एड टू द राइट टू यूज ऑफि एडिशनल additional 1500 जो उसका 1500 हंड्रेड स्क्वायर मीटर का स्पेस बड़ा है वो स्टैंड अलाउन सेलिंग प्राइस पर नहीं बढ़ा है आई मेरी बात समझ में नहीं अब आप, क्या करोगे? अब आप सबसे पहले वन का देखिये प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट पर सेवन परसेंट पर तो वन का प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है थ्री लैख थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थ्री लैक नाइन्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आपका मॉडिफाइड लाइब्रेड आ रही है मॉडिफाइड लाइब्रेरी आ रही है अब इस मॉडिफाइड लाइब्रेरी में अगर आप ध्यान से देखो इस मॉडिफाइड लाइब्रेरी में अगर आप ध्यान से देखो तो एक्चुअली में एक ओरिजिनल आर है टू स्क्वायर फीट वाला और एक रिवाइज इंक्रीज इन आर है फिफ्टीन वाला अलग अलग आ रहा है तो डिक्रीज वाले का कैसे किया डिक्रीज वाले का कैसे किया देखिए द इफेक्टिव रेट ऑफ मॉडिफिकेशन आर ओ इज थ्री सिक्सटी सेवन टू थाउजेंड वाले का आपने रिवाइज निकाला रिवाइज निकाला आपने टू ट्वेंटी मतलब जो आर ओ यू आपका बचा था उसके हिसाब से आपने रिवाइज निकाला कैसे निकाला आर ओ यू बचा था सेवन नाइन फिफ्टी ये रिमेनिंग फाइव ईयरस के लिए बचा था अब आपका थ्री ईयर्स के लिए कितना बचेगा ये बचेगा टू ट्वेंटी सेवन तो ये आर ओ यू बचना चाहिए आपका तो आपका आर ओ यू आप रिड्यूस करोगे वैसे ही लीज लाइब्रेटी आपकी बची है फोर ट्वेंटी जीरो अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज के हिसाब से कितनी होनी चाहिए थी डिक्रीज के हिसाब से आप सबसे पहले रिवाइज लीज लाइब्रेटी शुड बी प्रेजेंट वेलियो लीज पेमेंट एट द ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट तो वन लाख का थ्री ईयर के हिसाब से करिए वन लाख डिवाइडेड बाय वन आपका कितना था सिक्स था सिक्स एक, दो तीन जी टी तो ये बचनी चाहिए आपकी ये बचनी चाहिए आपकी टू सिक्सटी सेवन थ्री जीरो कुल मिलाकर ये लीज लाइब्रिटी बचनी चाहिए जबकि लीज लाइब्रिटीटी अभी आपकी करंटली कितनी आ रही है लीज लाइब्रिटी आपकी करंटली आ रही है 421, तो आप लीज लाइब्रिटी को रिड्यूस करोगे और आरओयू एसेट को रिड्यूस करोगे ये देखिए 267 301 ये 267 300 और आपका असेट होना चाहिए 220 तो आपने लीज लाइबिटी को गिरा दिया आपने आरओयू को गिरा दिया और आपने गेन बुक कर दिया ये आपका गिर गया अलग से अलग से आप 50,000 जो एक्स्ट्रा 1500 स्क्वायर फीट के लिए दे रहे हो वो 50,000 और आपका डिस्काउंटिंग रेट भी चेंज हो गया उसका आपने नया ऑलरेडी निकाल के रखा है 393, तो ये नया आपका निकला हुआ है तो अब आप क्या करोगे आपकी लीज लाइब्रेटी कम हो चुकी है लीज लाइब्रेट आपकी ऑलरेडी कम हो गई थी जिसको आपने अब आप स्टेप टू लगाओगे यहां पर मॉडिफाइड रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट के हिसाब से मतलब आप वन लाख ,00 रुपीज को वापस से सेवन परसेंट पर मॉडिफाई करोगे एक दो तीन ये आपका आ गया टू लैख सिक्स थर्टी वन और आपने लास्ट टाइम किया था टू सिक्स थ्री जीरो वन आपका फोर एट सेवन जीरो अप्रॉक्स आपका चेंज वापस से आ रहा है फोर एट सेवन जीरो मतलब फोर्टी नाइन हंड्रेड का चेंज आ रहा है जो आपने आर में बुक किया तो अब आप, आप क्या कर रहे हो आप एक्चुअली में आपका केस टू और आपका केस फाइव आप साथ में लगा रहे हो तो ऐसे केस में आप सबसे पहले केस टू की सेपरेट पहले अकाउंटिंग कर रहे हो और फिर लास्ट में आप केस फाइव की अकाउंटिंग कर रहे हो इस तरीके से आपका चेंजेस हो रहा है ठीक है समझ में आया आपको टेल मी गाइस समझ में आया आप इसको जब पूरा मेरे इस क्यू आर से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा 5 से 10 में फटाफट प्रॉपर एक पूरे सीक्वेंस में मैंने इसको सोल्व करवाया है आप इसको देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा मतलब ये केस सबसे इंपॉर्टेंट केस है जिसमें आपका केस टू लग रहा है और केस फाइव लग रहा है ठीक है तक क्लियर हुआ कि नहीं अब बढ़ते अपन आगे केस फोर लास्ट है केस फोर आपका लास्ट है जिसमें आप रओयू को डिक्रीज कर रहे हो मतलब स्पेस को रिड्यूस कर रहे हो आपने ओरिजिनली टू थाउजेंड फीट का स्पेस लिया था अब आप उसको रिड्यूस करके स्क्वायर फीट के स्पेस को ले रहे हो तो आप क्या करोगे जैसे आपने केस टू में किया था प्रपोर्शनेटली आरओ को रिड्यूस किया आपने कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लाइबिटी रिड्यूस किया वैसे ही आप यहां रिड्यूस करोगे आप आरओ यू को प्रपोर्शनेटली रिड्यूस करोगे आप कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लाइबी को रिड्यूस करोगे फॉर एग्जाम्पल आपका टू थाउजेंड स्क्वायर फीट का स्पेस था ओरिजिनल अब आप रिवाइज कर रहे हो ट्वेल्व हंड्रेड के स्क्वायर फीट के इस स्पेस को आपकी जो भी कैरिंग अमाउंट ऑफ आर है वो आपकी बेस्ड ऑन टू थाउजेंड थी अब आपकी बेस्ड ऑन ट्वेल्व हंड्रेड होनी चाहिए तो इतने से आपकी आर ओ यू आप फिर आप आर ओ यू एट हंड्रेड स्क्वायर फीट की रिड्यूस करोगे वैसे ही आपका जो कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लाइब्रेटी था वो भी आपका ओरिजिनल राइट्स के हिसाब से कितना था और रिवाइड राइट्स के हिसाब से कितना है तो आप डिक्रीज इंक्रीज करके गेन लॉस को पेटल में डालोगे स्टेप नंबर टू में आप अपनी लीज लाइब्रेरी को रिवाइज करोगे रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट के हिसाब से और उसका डायरेक्टली इंपैक्ट आपके आर ओ यू ठीक है तो ये जितने भी क्वेश्चन है इवन जैसे क्वेश्चन नंबर फोर्टी ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैंने मस्ट डू क्वेश्चन में दिए हैं आप यहां से कंप्लीट कर सकते हो ठीक है यहां पर 5000 स्क्वायर फीट का स्पेस था वो 2500 का स्क्वायर फीट स्पेस उसने रिड्यूस कर दिया ओरिजिनली रेंट कितना था फिफ्टी थाउजेंड का टेन इयर के हिसाब से सिक्स परसेंट अब रेंट कितना हो गया थर्टी थाउजेंड का नया डिस्काउंटिंग रेट कितना आया फाइव पर अभी आप नया डिस्काउंटिंग रेट नहीं लोगे अभी आप सबसे पहले स्टेप नंबर वन में क्या करोगे स्टेप नंबर वन में कैरिंग अमाउंट ऑफ आर ओ यू एंड लीज लाइबिलिटी को चेंज करोगे चेंज करोगे प्रपोर्शनेटली प्रपोर्शनेटली तो आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी बची हुई है फॉर एग्जाम्पल आपकी कैरिंग अमाउंट यहां पर बची हुई है टू वन जीरो बचा हुआ है और ये uh, है और ये भी based on 5, square feet है अब, अब इसको प्रपोर्शनली रिड्यूस करोगे कि भाई बेस्ड ऑन ट्वेंटी फिट के हिसाब से दोनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए तो उतने से आप रिड्यूस कर दोगे उतने से रिड्यूस करके आप गेन और लॉस को बुक करोगे पी एंडल में फिर आप क्या करोगे फिर आप रिवाइज लीज लाइब्रेड निकालोगे थर्टी थाउजेंड के हिसाब से और फाइव परसेंट के हिसाब से तो थर्टी थाउंड थाउजेंड डिड बाईन जीरो तीन चार पांच ये आएगा आपका वन ट्वेंटी नाइन स्टेप नंबर टू में वन ट्वेंटी नाइन एट एट फोर आपकी रिवाइज लीज लाइब्रेड आ जाएगी उसको आप अकाउंट फॉर करोगे ठीक है उसको अकाउंट फॉर करोगे आर में यू में तो ये हो गया आपका लीज मॉडिफिकेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट और है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है तो हमने ये कर अभी हमने किया है आपको अगर इसको थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा सर मुझे इसको डिटेल में समझने की जरूरत है आप जरूर इसका क्यू आर कोड देखना स्कैन करना मैंने इसका डिटेल में वीडियो बना के रखा है ठीक है चलिए बताइए इस यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं अब हमारा लीज इंडेस डी वन वन सिक्स बहुत कम पोर्शन बचा हुआ है डोंट वरी अब हमारा पोर्शन क्या क्या बचा हुआ है एक तो लेसर वाला पोर्शन बचा हुआ है और लेसर वाले पोर्शन के अलावा हमारा बचा हुआ है और सेल एंड लीज बैक बचा हुआ है अब बहुत ही कम पोर्शन बचा हुआ है वो हार्डली अपन कोशिश करके हाफ एन आवर या फोर्टी फाइव मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे ठीक है चलिए सबसे पहले अगर आप चार्ट बुक में देखोगे अमेंडमेंट वाला पार्ट मतलब वो जो कोविड वाला पार्ट था 46 46 46a 46b ये आपको पार्ट करने की जरूरत नहीं है ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो ये पूरा चार्ट को मैं कट कर रहा हूं इस पूरे चार्ट को मैं कट कर रहा हूं ये आपको करने की जरूरत नहीं है सीधा-सीधा आ जाते हैं कि लेसी बैलेंस शीट में और पी एंड में प्रेजेंटेशन कैसे करेगा लेसी बैलेंस शीट में और पी एंड में प्रेजेंटेशन कैसे करने वाला है ठीक है बैलेंस शीट एक सेकेंड यार थोड़ा सा हा बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंटेशन होगा आर असेट को या तो आप सेपरेट लाइन आइटम दिखाओगे या तो आप अदर रिलेटेड असेट्स के साथ नोट्स वो अकाउंट्स में दिखाओगे अगर आर ओ यू असेट पीपी कैटेगरी में आ रही है तो पीपी के कौन से क्लासिफिकेशन में आ रही है लैंड में आ रही है बिल्डिंग में आ रही है एंड बिल्डिंग में आ रही है मशीन में आ रही है उसके साथ दिखाओगे Lease liability को lease liability को आप सेपरेटली प्रेजेंट करोगे लीज लाइब्रेटी को आप separate line item present करोगे lease liability, आप उसका separate heading होता है बैलेंस शीट में ठीक है एल की बात करें एल की बात करें तो में क्या क्या जाएगा asset का depreciation जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस और लीज लाइब्रेट जाएगा और दोनों को आप सेपरेटली प्रेजेंट करोगे डेप्रिसिएशन वाला हेडिंग अलग है इंटरेस्ट वाला फाइनेंस कॉस्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो भी आप लीज पेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा कैश फ्लो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो भी आप लीज पेमेंट कर रहे हो वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा इंटरेस्ट पेमेंट मिलाकर अगर आपकी शॉर्ट टर्म लीज है या लो वैल्यू लीज है फिर जो भी आप पेमेंट कर रहे हो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा ठीक है और जो भी आप वेरिएबल लीज पेमेंट विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ द लीज पेमेंट वेरिएबल लीज पेमेंट मतलब आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन इंडेक्स और रेट वो भी आपके ऑपरेटिंग में जाएगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा क्या जाएगा जो आप रेगुलर लीज पेमेंट पे कर रहे हो आर ओ यूसेट वाले लीज लाइब्रेटी वाले वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर आप एग्जामेशन ले रहे हो या फिर वेरिएबल लीज पेमेंट जो आपके डायरेक्टली पीएचएल में जाते हैं वो दोनों के दोनों आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखेंगे ध्यान रखिएगा इस चीज को अब बात करते हैं बुक्स ऑफ लेसर की ऑफ लेसर, लेसर के में जब भी लेसर असेट को लीज पर देगा तो इंसेप्शन ऑफ द लीज पर वो पहले ये डिसाइड करेगा कि उसका ऑपरेटिंग लीज है या फिर वो उसका फाइनेंस लीज है अगर वो उसका ऑपरेटिंग लीज है ऑपरेटिंग लीज मतलब अदर देन फाइनेंस लीज फाइनेंस लीज कब माना जाएगा फाइनेंस लीज माना जाएगा तो उसको देखना पड़ेगा कि क्या उसने क्या उसने सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर किए हैं अगर उसने सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर किए हैं तो वो उसको फाइनेंस लीज मानेगा और वो डीम्ड सेल बुक करेगा वो एक तरीके से जो लेसर है वो अपनी सेल बुक कर लेगा वो मान लेगा कि मैंने सेल कर दिया दियाट को ठीक है को वो सेल बुक करेगा हम इस पर भी आएंगे कि सेल लेसर जो होते हैं वो दो टाइप के लेसर होते हैं एक नॉन डीलर एक डीलर उस उसपे भी आएंगे उसके ऊपर भी अच्छे वाले क्वेश्चन है अब फाइनेंस लीज कब माना जाएगा फाइनेंस लीज माना जाएगा जब जब फाइनेंस लीज तब माना जाएगा जब पांच में से कोई कंडीशन फुलफिल होगी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है लीज टर्म खत्म होने के बाद तो माना जाएगा कि लेसर ने सबस्टेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया मतलब ये फाइनेंस लीज है लेसर ने लेसी को परचेज करने का ऑप्शन दिया है एट अ वेरी रिड्यूस्ड प्राइस रिड्यूस प्राइस पर तो भी माना जाएगा कि ये फाइनेंस लीज है जब

इनकम बुक करेगा पहली बात तो वो असेट को डी रिकनाइज नहीं करेगा वो असट अपनी बुक्स में कंटिन्यू रखेगा असेट के ऊपर लगाएगा उसको जो भी लीज पेमेंट आएगा वो उसको रेगुलरली इनकम बुक करेगा इनकम को वो बुक करेगा आइदर बेसिस पर जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी है ये कहा गया है कि अगर लेसर के पास और कोई सिस्टमेटिक अप्रोच है इनकम बुक करने की किसी और प्रपोर्शन में तो अच्छी बात है नहीं तो हमेशा एस एल एम एस एल एम के अलावा अगर उसके पास कोई सिस्टमेटिक बेसिस है कोई दूसरी अच्छी अप्रोच है इनकम को बुक करने का तो वो उस बेसिस पे करेगा नहीं तो एस एल एम के करेगा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को वो डेफर एंडोटाइज करेगा डेफर एंड करेगा अपने पी पीएनडएल में इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट वो जो भी बियर कर रहा है और जो भी वेरिएबल लीज पेमेंट्स उसको मिल रहे हैं वो भी वो पी पीएनडल में लेके जाएगा बहुत ईजी हो गया क्लियर पर यहां पर ऑपरेटिंग लीज पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन होगा यहां पर मस्ट डू क्वेश्चन का फोर्टी नाइन होगा यस क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन ये ऑपरेटिंग लीज का क्वेश्चन है पर देखिए इसमें पॉइंट क्या हो रहा है यहां पर हाउ एंटिटी वाई अकाउंट फॉर द इंसेंटिव अब होता क्या है कि ऑपरेटिंग लीज में मान लो लेसर हम लेसर की बात कर रहे हैं अगर वो इंसेंटिव पे कर रहा है लेसी को तो इंसेंटिव को अकाउंट फॉर कैसे करेगा लेसी को जो इंसेंटिव मिल रहे हैं वो तो अपने लीज uh, लाइबिटी में माइनस कर देता है लीज पेमेंट में माइनस कर देता है पर लेसर

का इंसेंटिव दे रही है प्रोवाइड सिक्स लाख रुपीज टू द एंटिटी एक्स एट अ लीज एमेंसमेंट फॉर लीज इंप्रूवमेंट लीज इंप्रूवमेंट मतलब ये करने के लिए कि हम आपको लाख ,00 दे रहे हैं आप अट्ठस बनाइए जैसे होता है ना फ्रेंचाइज वगैरह जैसे मैंने डोमिनोज का फ्रेंचाइज लिया मान लो डोमिनोज मुझे सिक्स लाख ,00 दे रहा है ऐसा होता नहीं है जस्ट एग्जाम्पल डोमिनोज मुझे सिक्स लाख ,00 रुपीज दे रहा है और वो बोल रहा है कि आप हमारी फ्रेंचाइजी ओपन करिए हम आपको छह लाख रुपए दे रहे हैं और आप असेट डेवलप करिए ठीक है ना और हम आपसे हर महीने किराया लेंगे वन टेन वन टेन वन टेन का जो ये असेट होगी ये आपकी होगी मतलब जो इंसेंटिव मैं लेसी को दे रहा हूं सिक्स लाख रुपीज का लीज इम्प्रूवमेंट बिल्ड करने के लिए असेट बनाने के लिए वो असेट अल्टीमेटली लेसी की होगी उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा अगर ऐसा है तो लेसर इस सिक्स लाख ,00 को क्या करेगा लेसर इस सिक्स लाख ,00 को अपने लीज इनकम से इनिशियली ही माइनस कर देगा यहाँ पर एग्रीमेंट कितने ईयर्स का था यहां पर एग्रीमेंट था फाइव ईयर्स का और पर मंथ कितना है वन तो यहां पर बेसिकली होगा क्या यहां पर बेसिकली यहां पर बेसिकली क्या करेंगे यहां पर हम जो सिक्स लाख रुपीजी का पेमेंट कर रहे हैं सिक्स लाख रुपीज का पेमेंट कर रहे हैं सबसे पहले उसकी एंट्री पास की डेफर्ड लीज इंसेंटिव अकाउंट डेबिट टू कैश डेफर्ड लीज इंसेंटिव अकाउंट डेबिट टू कैश अब हमने डेफर्ड लीज इंसेंटिव कितने दिए सिक्स लाख डिवाइड बाय हमने कहीं ना कहीं यह लीज एग्रीमेंट कितने साल का रखा है फाइव ईयर्स का रखा है फाइव ईयर्स मतलब सिक्सटी मंथस तो सिक्स लाख ,00 डिवाइडेड बाय 60 हम इसको टेन थाउजेंड रुपीज एवरी ईयर हम इसको टेन थाउजेंड को एक्सपेंस मानेंगे और एक्सपेंस मानेंगे तो कैसे मानेंगे हमें मान लीजिए हर महीने महीने इनकम आ रही है वन टेन की तो कैश अकाउंट डेबिट वन टेन का इनकम आया टू लीज इनकम ये वन लैख ,00 हमने इनकम माना और बाकी का हमने डेफर्ड लीज इंसेंटिव को इनकम माना मतलब डेफर्ड लीज इंसेंटिव को हमने इनिशियली डेफर किया और उसके बाद हम उसको इनकम का पार्ट मान रहे हैं मतलब कुछ नहीं है वन टेन में से मैं मान के चल रहा हूं कि टेन थाउजेंड रुपीज मैं अपने ये जो इंसेंटिव मैंने उसको दिया है उसकी रिकवरी कर रहा हूं वन टेन में से मैं टेन थाउजेंड इंसेंटिव की रिकवरी कर रहा हूं मैं इस तरीके से उसको बुक करूंगा तो अगर लेसर लेसी को इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है और उस इंसेंटिव से लेसी का लेनिफिट है, है, है तो लेसर उस इंसेंटिव को लीज रेंट का पार्ट मान लेगा कहीं ना कहीं वो बोलेगा कि मैंने लीज रेंट में उसको वसूल कर लिया पहले वो छह लाख रुपए को डेबिट करेगा डेफर्ड मानते हुए और उसको डेफर करके हर साल अलग से सेपरेटली इनकम बुक करेगा पर केस नंबर टू देखो यहां पर Entity Y enters into operating lease in property of entity X, 5 years, monthly rent 110. Entity Y provides 6 lakh.

सिक्स में और हमने हमें जो भी वन लैख टेन थाउजेंड का इनकम हो रहा है हम वो अलग से लीज इनकम बुक करेंगे और सिक्स लाख के ऊपर क्लेम करेंगे आई मेरी बात समझ में नेट आंसर वही होगा आपको समझ में आ जाएगा बोलो बेटा क्लियर हुआ तो ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है मई ट्वेंटी थ्री के आर टीपी में बना हुआ क्वेश्चन था आप देख लेना चलिए ये हो गया आपका लेसर का ऑपरेटिंग लीज का अकाउंटिंग अब अपन लेसर का फाइनेंस लीज का अकाउंटिंग करते हैं लेसर का फाइनेंस लीज का अकाउंटिंग करते हैं दो मिनट दे दो यार थोड़ी सी दो मिनट सर दो मिनट दे दीजिए थोड़ी सांस ले लूं है ना दो मिनट गाइज आप भी पानी वानी पी लो थोड़ा सा अपना इंडिया बस खत्म होने वाला है लेसर का मुझे अकाउंटिंग डिस्कस करना है सब लीज पार्ट बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और सेल एंड लीज बैक वाला पार्ट है वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा ठीक है बस मुझे टू थ्री मिनट्स दीजिए Right चलिए तो अगर हम बात करें लेसर की अकाउंटिंग की फाइनेंस लीज में तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ में आपको बता देता हूं एक होता है जी आई एल एक होता है आपका जी आई एल जी आई एल क्या होता है नीचे कहीं लिखा हुआ है क्या आइए जी आई एल जीआईएल क्या होता है ऑल ऑल लीज लीज पेमेंट्स पेमेंट्स प्लस प्लस मतलब guaranteed residual value, UGRV मतलब गारंटीड वैल्यू अनगारंटीड अनगैरेंटीडिटल वैल्यू और ऑल लीज पेमेंट इसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज जब आप प्रेजेंट वैल्यू करते हो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज का तो आपको मिलता है नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज मतलब एनआईएल ये आपको मिलता है एनआईएल जब आप इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपका जो डिस्काउंटिंग रेट होता है आप डिस्काउंटिंग रेट लेसर के केस में हमेशा इंप्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे लेसिस इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट नहीं लेते हो ठीक है ना अब आप लेसर हो तो आप हमेशा लीज रिसीवेबल बुक करोगे आप हमेशा लीज रिसीवल बुक करोगे एनआईएल in आप 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 मतलब आपका रोज का काम नहीं है लीजिंग पर देना तो जो असेट आप लीज पर दे रहे हो वो असेट आपने अपने बुक्स में पीपीई करके दिखाया होगा या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करके दिखाया होगा तो आप एंट्री करोगे लीज रिसीवल अकाउंट डेबिट एनआईएल

तो वो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी वो लीज पेमेंट और यूजीआरवी के अंदर ले लेगा मतलब वो इंप्लेसिड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए कंसिडर कर लेगा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को वो डायरेक्टली पीएंडल में चार्ज नहीं करेगा ठीक है ना डू नॉट डू नॉट ट्रांसफर टू पीएनएल वो

अब तुम क्योंकि डीलर हो तो तुम जो असेट लीज पर दे रहे हो तो डेफिनेटली वो असेट तुम्हारे लिए इन्वेंट्री होगी क्या होगी इन्वेंट्री तो जब तुम असेट लीज पर दे रहे हो तो तुम सेल बुक करोगे और सेल बुक करोगे लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू तुम सेल बुक करोगे लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू ऑफ द असेट उस पर तुम सेल बुक करोगे क्योंकि तुम डीलर हो लीज तुमने एनआईएल पर बुक कर लिया अच्छा पहले वो तुम्हारे पास इन्वेंट्री पड़ी होगी तो टू अट टू मतलब यहां अट हो रही है तो इसका मतलब टू जब तक तुमने अपनी असेट को लीज पर नहीं दिया वो इन्वेंट्री पड़ी होगी तो इन्वेंट्री को तुम रिवर्स कर दोगे बुक वैल्यू पे और तुम सीओजीएस बुक करोगे सीओजीएस तुम्हें बुक करना है बैलेंसिंग फिगर पे इसके अलावा अगर तुम को और कोई कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का तो टू कैश यहां पर कोई भी एक्सपेंस मतलब आईडीसी इनिशियल डायरिट कॉस्ट का तुम अगर एक्सपेंस भी कर रहे हो तो टू कैश आ जाएगा तो अल्टीमेटली सीओजीएस तुम्हें बुक करना है बैलेंसिंग फिगर पर ये एक शॉर्टकट है मैं आपको बता रहा हूं हमेशा ऐसे ही करना सीओजीएस तुम बैलेंसिंग फिगर पर करोगे मैं तुम्हें इसका क्वेश्चन करवा रहा हूं बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन है

स्ट अप्रिल्ट फॉर थ्री इस लेस इज रिक्वायर टू मेक थ्री एन्युअल रेंटल्स पेमेंट पेबल एंड अरियर बेटा इन अरियर मतलब एट द एंड और अगर लिखा होता इन एडवांस मतलब एट द बिगिनिंग फिफ्टी सेवन फाइव हंड्रेड तीन बार लीज मशीन इज रिटर्न टू द लेसर फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू आपका काम आएगा सेल बुक करने में वन फिफ्टी विच इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइज ऑफ द मशीन ओहो सेलिंग प्राइज ऑफ द मशीन के लिए इक्वल हो गया ओहो 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 ठीक है द मशीन कॉस्ट इज वन लैक मशीन आपकी वन लैक ,00 की कॉस्टिंग है मतलब ये आपकी कही न कहीं ना कहीं एज अ इन्वेंट्री पड़ी होगी तो आप देखो आप इस इन्वेंट्री को रिवर्स करोगे टू इन्वेंट्री वन लैख देखो आपने रिवर्स कर दिया द लेसर इनकर्ड कॉस्ट ऑफ टू हंड्रेड थाउजेंड टू थाउजेंड फाइव टू नेगोशियट एंड अरेंज द लीज मतलब इनिशियल कॉस्ट तो देखो टू कैश टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड आपने बुक कर लिया ठीक है द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज थ्री ईयर

नीचे कहीं पर अपन निकाल लेते हैं हालांकि 57500 डिवाइडेड बाय 1.1019 आपका डिस्काउंटिंग रेट है डिस्काउंटिंग रेट है 10.19 एक दो तीन ये आ रहा है अह ये आ रहा है 142 517 ठीक है प्लस आपका 10000 का प्रेजेंट वैल्यू ये आया आपका सेवन फोर सेवन फोर तो वन फोर्टी टू फाइव वन सेवन सेवन फोर सेवन फोर यह आया आपका लगभग लगभग वन लाख फोर्टी नाइन थाउजेंड ये आपका आया वन लैखी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी वन ये आया वन फोर्टी नाइन नाइन नाइन्टी वन ये आया आपका लीज रिसीवेबल मतलब अप्रॉक्सीमेटली वन लाख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है तो वन फिफ्टी थाउजेंड क्या आया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जी आई एल जी आई एल मतलब लीज पेमेंट प्लस रेसिडल वैल्यू ये आ गया आपका ये आपने कर दिया लीज रिस लिख दिया आपने आपने इन्वेंट्री को डी रिकॉग्नाइज कर दिया अब सेल बुक करनी है सेल किस पे बुक करनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोवर तो फेयर वैल्यू कितना है यूजीआरवी नहीं, नहीं लेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आपके निकले थे तो, और value, तो आपने सेल बुक किया वन फोर्टी टू फाइव वन सेवन अब वो राउंडिंग ऑफ का एरर है आपने लीजर सेल बुक कर लिया आपने इन्वेंट्री को डी रिकॉग्नाइज कर दिया बुक वैल्यू पे आपने सेल बुक कर लिया आपने आ, पेमेंट किया इन, इन, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का तो फिगर आया नाइनटी फाइव जीरो थ्री जीरो आया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आपका बैलेंसिंग फिगर आया अब वो आपसे पूछेगा कि प्रॉफिट ऑन सेल कितना हुआ तो प्रॉफिट ऑन सेल आपका हुआ वन थर्टी का सेल में से नाइनटी फाइव जीरो थ्री जीरो मतलब ये और ये माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट आ गया इमीडिएटली ऑन सेल बोलो बेटा क्लियर प्रॉफिट ऑन सेल आपका आ गया क्लियर हुआ तो ये डीलर लेसर का क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए डीलर लेसर भी आपका हो गया डीलर लेसर के बाद ये वाले की आपके मैंने आपको अभी जस्ट करवा दिए ये आपको पता है ये हमारा हो गया

तो हम उसको इग्नोर करेंगे ओरिजिनली हमने एस्टिमेट किया था 10,000 अब हमारी यूजीआर बढ़ गई 11 कंसीडर नहीं करेंगे यूजीआरवी हमने ओरिजिनली एस्टिमेट किया था 10,000 अब हमारी डिक्रीज हो रही है 9,000 कंसीडर करेंगे ठीक है लीज रिसीवेबल अकाउंट एट एवरी बैलेंस शीट डेट शैल बी इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी हर बैलेंस शीट डेट पर हमें मेक मेकश्योर sure करना है कि हमारा लीज रिसीवेबल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा इट शुड बी इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी और ये हमारा होना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ के बराबर अगर यहां पर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस हमारा पी एंडल में जाएगा इफ डिफरेंस आ रहा है तो ठीक है ये हो गया आपका लेसर की अकाउंटिंग लेसर की अकाउंटिंग में और क्या बताया गया है बुक्स ऑफ लेसर में और क्या बताया गया है अगर लैंड एंड बिल्डिंग का लीज किया गया है लैंड एंड बिल्डिंग का लीज किया गया है तो आपको यहां पर सेपरेट क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा लीज ऑफ लैंड को अलग और लीज ऑफ बिल्डिंग को अलग लीज ऑफ लैंड को आप जनरली ऑपरेटिंग लीज मानोगे और लीज ऑफ बिल्डिंग को डिपेंड करता है कि आप फाइनेंस भी मान सकते हो आप ऑपरेटिंग मान सकते हो डिपेंड करता है कि आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर किए कि नहीं अब आप जब लैंड एंड बिल्डिंग का लीज पे दे रहे हो और आपको सेपरेट क्लासिफिकेशन करना है तो कंसिड्रेशन को भी आपको अलोकेट करना पड़ेगा लैंड पार्ट और बिल्डिंग पार्ट पर तो जो भी ओवरऑल आपका कंसिड्रेशन है उसको लैंड पार्ट और बिल्डिंग पार्ट पर अलो, अलो, अलग अलग अलोकेट करोगे अगर आप उसको अलोकेट नहीं कर पा रहे हो रिलायबली तो आप उसको सिंगल लीज कॉम्पोनेंट मानोगे और उसको या तो आप तो ऑपरेटिंग लीज मानोगे अगर आप उसको अलोकेट नहीं कर पा रहे हो अगर आप उसको रीजनेबली अलोकेट कर पा रहे हो तो लैंड और बिल्डिंग के फेयर वैल्यू के प्रपोर्शन में अलोकेट करोगे लैंड का फेयर वैल्यू बिल्डिंग का फेयर वैल्यू के प्रपोर्शन में आप उसको अलोकेट करोगे और लैंड के फेयर वैल्यू और बिल्डिंग के फेयर वैल्यू में अलोकेट करके आप रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग करोगे इसके ऊपर भी मैंने आपको यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है अगर आपको करना रहा तो आप कर सकते हो यहां पर एक क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट यहां पर क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट जरूर ट्राई करना आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट क्यू आर भी दे रखा है ठीक है फिर आते हैं लीज मॉडिफिकेशन फिर आते हैं आपका लीज मॉडिफिकेशन लीज मॉडिफिकेशन बेसिकली क्या है Lease modification क्या है? Lease modification, मतलब अभी हम हम के 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 में में पढ़ पढ़ थे, अब हम lesser के case में पढ़ रहे हैं lease modification. सबसे पहले तो modification आपके आपके में 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 भी हो सकते हैं. Modification आपके lease में भी हो हो सकते सकते हैं हैं ठीक है? है, अगर हुआ तो क्या मॉडिफिकेशन हुआ होगा ठीक है ना ट्रीट इट एज लीज फ्रॉम द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑपरेटिंग लीज में क्या 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 चेंजेस हुए हैं कुछ भी चेंज हो सकता है lease, lease payment, ना लीज टर्म तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पहले इनिशियली फाइव इस के बाद बचे थ्री पर उन्होंने बोल दिया कि नहीं आ, थ्री टूर्स टू और एड कर दो तो फाइव तो रिमेनिंग बच गए आप पिछले साल वाले जो भी लीज दोनि रेंट बुक किए थे इनकम बुक किया था उसको चेंज नहीं करोगे प्रोस्पेक्टिव बेसिस पर आप अकाउंटिंग करोगे अकॉर्डिंगली आप ऑपरेटिंग लीज में क्या करते हो आप ऑपरेटिंग लीज में एस करते हो यहां पर हमने क्या किया था एस के हिसाब से फर्दर इनकम बुक करते हो तो आप प्रोस्पेक्टिव के हिसाब प्रोस्पेक्टिवली आप एस के हिसाब से फर्दर इनकम बुक करोगे बुक इनकम ऑन एस एल ठीक है अगर आपका मॉडिफिकेशन हो रहा है फाइनेंस लीज में तो किस टाइप का मॉडिफिकेशन है ये देखना पड़ेगा इफ चेंज इन इफ चेंज इन क्लासिफिकेशन टू ऑपरेटिंग लीज मॉडिफिकेशन ऐसा है कि पहले आपने फाइनेंस लीज माना था पर अब आपको वो ऑपरेटिंग लीज में चेंज करना है

अगर मॉडिफिकेशन आपका फाइनेंस लीज में ऐसा हुआ है कि जिसमें न्यू असेट एड हो रही है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पर एड हो रही है तो वो आप उसको सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट मानोगे सिंपल तो फाइनेंस लीज में कौन कौन से मॉडिफिकेशन हो रहे हैं एक तो नाउ इट द क्लासिफिकेशन इज चेंज टू ऑपरेटिंग लीज लीज तो डी रिकॉग्नाइज कर दो रिसीवेबल को रिकॉग्नाइज कर दो अट को सेम अमाउंट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपका नया ऐड किया गया है प्लस स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पर ऐड किया गया है तो आप सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट मानोगे इसके अलावा जो भी चेंजेस होंगे मतलब नया एसेट ऐड किया गया है पर सेपरेट प्राइस पे नहीं किया गया में हो रहे है। तो जो भी हो रहा है तो नॉर्मल आप जैसे एक फाइनेंशियल करते हो चेंज इन लीज़ टर्म और कंसिडरेशन मान लो हो रहा है तो आप जैसे नॉर्मली जैसे आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपका स्टाफ एडवांस फाइनेंशियल असेट अमोटाइज कॉस्ट वाला चेंज करते हो आप रिवाइज्ड लीज रिसीवेबल निकालोगे रिवाइज्ड लीज रिसीवेबल निकालोगे बेस्ड ऑन रिवाइज्ड डिस्काउंटिंग रेट बेस्ड ऑन रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट के हिसाब से आप नया लीज रिसीवेबल निकालोगे और ट्रांसफर करोगे डिफरेंस को पी एंड बहुत ही सिंपल तो ये मॉडिफिकेशन की पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए अब आते हैं गाइस अभी तक बताइए कमेंट करके आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है टेल मी गाइस साउंड में आ रहा है कि नहीं सबली स्पार्ट सबली पार्ट सब क्या होता है सबलीज़ में तीन पार्टीज़ जा आ जाएंगी। ओरिजिनल लेसर ओरिजिनल लेसर ने लीज़ फिर उस असेट, इज रीलीज बाय ले टू थर्ड पार्टी फर्दर लीज पर दे दिया यहां पर ओरिजिनल लीज को क्या बोलेंगे हेड लीज और ओरिजिनल लेसी को क्या बोलेंगे इंटरमीडिएट लेसर मतलब ओरिजिनल लेसी मैंने ओरिजिनली एसेट लीज पर ली और मैंने फर्दर लीज पर दे दी तो मैं हूं इंटरमीडिएट लेसर मतलब मेरे दो रूप है एक लेसी भी हूं और एक लेसर भी हूं ठीक है यहां पर किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं हम इंटरमीडिएट लेसर के बुक्स के अकाउंटर जिस ओरिजिनल लेसर से मैंने असेट लिया उसकी बुक्स में कोई चेंजेस नहीं जो अल्टीमेटली बुक करेगा जो मैं इंटरमीडिएट हूं क्योंकि एक के लिए मैं मैं और दूसरे के लिए मैं मेरी बुक्स में क्या क्या होगा बुक्स ऑफ इंटरमीडिएट लेसर मतलब ओरिजिनल व्हेन हेड लीज इज टर्म लीज क्या मैंने head lease, head lease मतलब head lease मतलब मतलब जो मैंने ओरिजिनली फॉर एग्जाम्पल मैंने विशाल सर से ओरिजिनली कार परचेज किया कार लीज पर लिया ट्वेल्व के लिए हाँ, अब ये कार लेकर मैं फर्दर मैं फर्दर ये ट्रांसफर कर रहा हूं शुभम सिंगल सर को मैं शुभम सर को यह ट्रांसफर कर रहा हूं कार थ्री मंथ्स के लिए मैंने विशाल सर से कार लिया

और मैं ये असेट फर्दर शुभम सर को दे रहा हूं टू इस के लिए वेन इज नॉट क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म लीज हेड लीज इज नॉट क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म लीज इज आर ओ यू एंड लीज शोन इन द बुक्स मैंने शॉर्ट टर्म लाइन लीज नहीं माना था मैं अपनी बुक्स में आर ओ यू असैट और लीज लाइब्रेडी दिखा रहा हूं मैंने विशाल सर से असेट लिया था ठीक है अब मैं इसको सबलीज कर रहा हूं जब मैं शुभम सर को सबलीज कर रहा हूं तो क्या मैं शुभम सर को सबलीज शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कर रहा हूं तो ऑपरेटिंग लीज मानूंगा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कर रहा हूं ट्वेल्व मंथ से ज्यादा तो मैं उसको फाइनेंस लीज मानूंगा तो सब लीज सबलीज फाइनेंस लीज लीज में तो तो बात ही खत्म हो गई मैं ऑपरेटिंग लीज में शुभम सर से जो भी मुझे पेमेंट आएगा वो मैं अपनी इनकम बुक करूंगा उधर मेरी आर ओ यू आरोट विशाल सर वाली आर ओ यू सेट और लीज लाइब्रिटी कंटिन्यू रहेगी कंटिन्यू टू अकाउंट फॉर द आर ओ यू एंड लीज लाइब्रिटी रिकॉग्नाइज द सब लीज रेंट ऑन एस एल एम बेसिस इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ आर यू एसेट इज मोर देन द एंटिस सब्लीनकम देन आर ओ यू एसेड मे बी इंपेयर आर ओ यू एसे इम्पेयर हो सकती है अगर मेरी आर ओ यूसेड की कैरिंग अमाउंट जितनी भी है और जो मुझे शुभम सर से जो इनकम में आने वाली है उसकी रिकवरेबल अमाउंट कम है तो मैं अपनी आर ओ यूसेड को इम्पेयर कर सकता हूँ स्पेशल केस है ये असेट मैंने विशाल सर से लिया और लेस बुक किया और मैं शुभम सर को दे रहा हूं और मैं पे दे रहा हूं। मतलब जो मैंने बुक किया उसको मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि पर मैं लीज लाइब्रेटी को डी रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा मेरा लीज लाइब्रेट कंटिन्यू रहेगा टूवर्ड्स विशाल सर कंटिन्यू टू अकाउंट फॉर लीज लाइब्रेटी मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस डिस्काउंट करता रहूंगा अलग से मैंने शुभम सर को असट दे दी तो मैं वहां से रिकॉर्ड करूंगा नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज

हेड लीज कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज लो वैल्यू लीज इफ इंटरमीडिएट लेसर सबलीजेस और एक्सपेक्ट टू सबलीज एक्सेप्शन पढ़ लिया था कि अगर आपका लो वैल्यू असेट का आपको क्लासिफिकेशन लेना है तो आप सबलीज नहीं कर सकते और अगर आप सबलीज कर रहे हो तो आपको लो वैल्यू असेट का क्लासिफाइ एक्समशन नहीं मिलेगा प्रेजेंटेशन डू नॉट ऑफसेट द लीज लाइब्रेट ऑफ ओरिजिनल लीज विथ लीज ऑफ द रिसबलीज मैंने आपको जैसा बताया लीज लाइब्रेटी ऑफ विशाल सर एंड लीज फ्रॉम शुभम सर में अलग अलग रखूंगा डू नॉट with the एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस ही मैं subleasing इनकम को मेन लीजिंग एक्सपेंस के साथ सेट ऑफ करूंगा कुछ नहीं करूंगा हमने क्वेश्चन डिस्कस किए इसीलिए हमें लगभग लगभग ढाई घंटे पौने तीन घंटे लग गए अगर मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं करता तो यही वह चीज वन एंड हाफ आवर में आपका वन वन सिक्स कंप्लीट करवा है अब बस अपन लास्ट पॉइंट करेंगे सेल एंड लीज बैक सेल एंड लीज बैक को मैं ये तो अपने पास चार्ट बुक है ही सही ये तो चार्ट बुक है ही सही पर सेल एंड लीज बैक को मैंने उसमें एक और मैंने ये जोड़ा है जो मेरे कंसेप्ट बुक का पार्ट है मैं यहां से भी आपको करवाऊंगा ये मैं आपको करवाऊंगा बट जस्ट गिव मी टू मिनट्स ओनली टू मिनट्स ठीक है मुझे बस दो मिनट दीजिए तब तक आप ये सेल एंड लीज बैक वाला पार्ट पढ़ लीजिए इसके ऊपर एम वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा एम में करंट एम में सेल एंड लीज बैक का क्वेश्चन आया है एम टी सीरीज टू एम टी सीरीज टू में आपका आया है कौन सी सीरीज है ये सीरीज टू अप्रैल वाली आपका क्वेश्चन आया है एम में ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा आप एटलीस्ट ये पोर्शन पहले देख के रखिए ये पोर्शन एटलीस्ट पहले पढ़ के रखिए मुझे दस दो मिनट का टाइम दीजिए Yes. चलिए बात करते हैं सेल एंड लीज बैक सेल एंड लीज बैक सबसे पहले तो सेल एंड लीज बैक आप ध्यान से अगर पहले चार्ट में देखेंगे सेल लीज़ बैक के बारे में क्या बोला गया सबसे पहले हमने अपनी असेट को सेल किया और हमने ऐसे अपनी असेट को वापस लीज पर ले लिया तो पहले तो अगर एसेट को वापस लीज पर ले लिया तो फिर काय का सेल हुआ तो पहले ये डिसाइड करना है कि वाकई में ये सेल ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं तो इसमें दो बातें होती है कंट्रोल इज पास्ट कंट्रोल इज नॉट पास्ट मतलब मैंने असेट को सेल किया फिर मैंने लीज पर वापस ले ली क्या मैंने ओरिजिनली अट का कंट्रोल बायर को पास ऑन किया या नहीं अगर मैंने बायर को कंट्रोल पास ऑन नहीं किया फॉर एग्जाम्पल मैं असेट को सेल कर रहा हूं असेट की यूजफुल लाइफ रिमेनिंग बची है ट्वेंटी ईयर्स और मैं ट्वेंटी ईयर्स के लिए वापस असेट को ले रहा हूं लॉजिकली मैंने बायर को कंट्रोल पास ऑन ही नहीं किया ट्वेंटी ईयर्स की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बची है और मैं उतने ही टाइम के लिए लीज पर ले रहा हूं मतलब मैंने सेल करके फाइनेंस लीज पर ले लिया यहां पर इंडिया बोलता है कि आपने बायर को असैट का ओरिजिनल कंट्रोल पास ऑन नहीं किया ये तो एक एस, सिर्फ एक फाइनेंसिंग फैसिलिटी है आपने सिर्फ उसको सेल किया है ताकि आप अमाउंट अरेंज कर सको आपने एक तरीके से बायर से लोन लिया है जिसका रीपेमेंट आप उसको लीज पेमेंट्स के फॉर्म में करोगे तो ऐसे केस में ना ही बायर अपनी बुक्स में अट रिकॉर्ड परचेज करेगा ना ही सेलर अपनी बुक्स में असेट सेल करेगा तो डू नॉट अप्लाई इंडिया

वो इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द अंडरलाइंग असेट एट सेम करेंगे अमाउंट एंड चार्ज द डेपरेशन अकॉर्डिंगली सेलर भी उसको अपनी लाइब्रेरी मानते हुए असेट को डी रिक्गनाइज नहीं करेगा सिंपल ये तब जब कंट्रोल पास ऑन बायर को नहीं हुआ है अब ये वाला एरिया आज तक पूछा नहीं गया पर अगर ये वाला एरिया आ जाए तो ध्यान रखना इस पर बच्चे लोग बहुत कम ध्यान देते हैं मेजर ध्यान देने लायक है भी ये पर क्या पता वो लोग ये पूछ लें अब आ रहे हैं कंट्रोल इज पास्ट मतलब सेल परचेज ट्रांजेक्शन मैंने असेट को बेचा असेट की यूजफुल लाइफ है ट्वेंटी ईयर्स असेट की यूजफुल लाइफ है ट्वेंटी ईयर्स और मैंने अट लीज पर वापस लिया सिक्स ईयर्स के लिए तो मैं बोल सकता हूं कि हां मैंने कंट्रोल पास ऑन किया क्योंकि मैं असेट को सेल करके ऑपरेटिंग लीज पर पर ले रहा हूं तो डेफिनेटली कंट्रोल अगर पास ऑन पास ऑन हुआ है मतलब सेल हो रहा है यहां पर हम सेल की एंट्री पास करेंगे अब सेल की एंट्री समझने के लिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझ लो पहले इंपॉर्टेंट फंडा यह है कि असेट की फंडा यह है आपके सामने दिख रहा है असेट की टोटल लाइफ फिफ्टीन टोटल लाइफ फिफ्टीन और आपने असेट को लीज बैक पर लिया है फाइव तो इतना बेच तो रहे हो ठीक है तो आपको गेन तो हो रहा है पर आप पूरा गेन बुक नहीं करोगे क्योंकि आप बोलोगे कि भाई क्या आपने असेट को पूरा पूरा बेचा नहीं आपने 15 इयर्स की असेट बेचकर 5 इयर्स की असेट वापस रख ली तो आप गेन बुक करोगे प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ द असेट एक्चुअली सोल्ड तो 15 इयर्स की देकर आपने 5 इयर्स की वापस ले ली मतलब आपने रिटेन कर लिया 5 इयर्स का तो आप गेन ऑन रिटेन्ड पार्ट पर बुक नहीं करोगे गेन ऑन रिटर्न पार्ट को रिकॉर्ड नहीं करोगे आप गेन ऑन सोल्ड पार्ट बुक करोगे वो कैसे करोगे निकालेंगे देखते दूसरा आप गेन निकालोगे कैसे सबसे पहले आपको दो तीन प्राइजेसैट ट्वेंटी लैक एक होता है आपके पास फेयर वैल्यू ऑफ द अट एक आपको फेयर वैल्यू ऑफ द असेट दिया होता है और एक होता है कैरिंग अमाउंट ऑफ द असैट आपके सामने दिया हुआ है ठीक है तो सेल प्राइस ऑफ द असेट फेयर वैल्यू ऑफ द असैट और कैरिंग सेल प्राइस से कंपेयर नहीं करोगे फॉर्मूला होगा तो आपका यहां पर फेयर वैल्यू कितना है 22 कैरिंग अमाउंट कितना है 13 तो आपका गेन कितना आया 7 पर यह टोटल जो आपका आया 7 लाख का यह आप पूरा पूरा बुक नहीं करोगे आप गेन बुक करोगे ऑन सोल्ड सोल्ड पार्ट पार्ट आपका दस साल वाला है ठीक है अभी हम निकाल रहे हैं वो कैसे आएगा ये आपका आ गया दूसरा आप को वापस लीज़ पर ले रहे हो तो आपको भी बुक करना पड़ेगा पर एट द सेम टाइम आपको सेल भी बुक करना पड़ेगा मतलब आपका लीज लाइबिलिटी भी, भी बुक करना पड़ेगा बहुत सारी सिचुएशन है यहां पर क्या क्या चीजें बुक होंगी आपका ओ यू अट बुक होगा आपका लीज लाइबिलिटी बुक होगा आपका असेट डी रिक्नाइज होगा आपको बैंक अकाउंट में प्रोसीड्स आएगा आएगा कि नहीं आएगा और इसके अलावा आपको गेन बुक करना पड़ेगा कैसे कैसे करेंगे देखिए जी लीज लाइबिलिटी तो होगा आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट ठीक है ना लीज लाइबिलिटी आपका होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आरओ कैसे बुक होगा आर आपका बुक होगा Amount of original asset. Original asset जो तुमने बेची है न, amount, multiply by ratio. है? ना, सर ये क्या रुक रुक जाओ, रुक जाओ सब पता चलेगा. Multiply by ratio. वैसे ही gain को भी तुम उस में ही रिकॉग्नाइज करोगे तुम्हें गेन को भी प्रोपोर्शनेटली रिकॉग्नाइज करना है रेशियो में और तुम्हें आर को भी प्रपोर्शनेटली रिकॉग्नाइज करना है साला ये रेशियो क्या है रे ये रेशियो क्या है ये रेशियो है आपका ये

ठीक है मैं आपको यह वाला एग्जाम्पल नहीं करवा रहा हूं मैं आपको डायरेक्टली एम वाला करवा रहा हूं एम वाला ध्यान से देखिए अब अब यहां पर आइए ए लिमिटेड सेलर लेसी सिक्सटी लैख में सेल किया है अब देखिए आपका क्या क्या चीजें दी हुई हैं यहां पर आपका सेल प्राइस कितना है सिक्सटी बिल्डिंग इज कैरीड एट कॉस्ट ऑफ थर्टी तो कैरिंग अमाउंट कितनी है थर्टी क्या आप गेन निकालोगे आपका थर्टी लैख का नहीं ए इंटरसिन को कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग फॉर राइट टू यूज बिल्डिंग फॉर ट्वेंटी ईयर विद एन एनुअल पेमेंट ऑफ फोर लैख पेबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फोर लैख पेबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर तो आपको लीज पेमेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकालना है टर्म्स एंड कंडीशन क्या है सेट ठीक है सेल हो रहा है वो बता रहा है सेल है फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज फेयर वैल्यू कितना है 54 ,00 है तो टोटल गेन कितना आएगा आपका ट्वेंटी फोर लैख्टी फोर माइनस रिकॉग्नाइज कितना करोगे रेशियो के हिसाब से इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इफ एनी टू बी इग्नोर्ड इंटरेस्ट रेट ट्वेल्व परसेंट विच इज रेडिली रिटर्नबल अब ट्वेल्व परसेंट इंटरेस्ट रेट है तो फोर लैख ,00 का प्रेजेंट वैल्यू निकालिए निकालिए फोर लैख डिवाइडेड बाय फोर lakh डिवाइड बाय वन पॉइंट वन टू एक दो तीन चार पाँच छः सात ऐसे ट्वेंटी ईयर्स का ट्वेंटी ईयर्स का ये आएगा ये आएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फोर लाख पर एन ये आएगा ट्वेंटी नाइन लैख एटी एट थाउजेंड अप्रोक्स एटी एट थाउजेंड अप्रोक्स अब आपको हमेशा सेल एंड लीज बैक में देखना देखना है है तीन केसेस देखो आपको ये देखना है कि आपका जो सेल वैल्यू है वो फेयर वैल्यू के बराबर है क्या या फिर सेल वैल्यू ज्यादा है फेयर वैल्यू से या फिर सेल वैल्यू कम है फेयर वैल्यू से तीनों बात करेंगे ये पहला वाला तो इजी है मैं डायरेक्टली केस टू केस थ्री बात करूंगा तो पहला वाला अपने आप समझ में आ जाएगा सेल वैल्यू फेयर वैल्यू से ज्यादा है क्या हमारे इस क्वेश्चन में देखना सेल वैल्यू सिक्सटी लैख है

एनी लोन एलिमेंट तो येमेंट लोन एलिमेंट होगा आपकी सेल वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू तो यहां पर जो लोन एलिमेंट आपका हो जाएगा वह आप टोटल प्रेजेंट वैल्यू में से माइनस करोगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू से माइनस करोगे फिर आपका निकलेगा लीस पेमेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ खाली खाली लीज पेमेंट आपकी मिलेगी टाइमेंटी थ्री लाख एटी एट थाउजेंड वही लिखा है आप लोन अमाउंट माइनस कर रहे हो क्योंकि आपने ज्यादा अमाउंट पे सेल किया है तो उसको आप सेपरेटली बुक करोगे लोन को तो आपका रिमेनिंग लीज पेमेंट आ गया ट्वेंटी थ्री एटी एट अब आप चुका आपको जो मैं रेशो की बात कर रहा था वो रेशो क्या होगा रेशो रेशो होता है हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एल पी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एल पी लोन अमाउंट माइनस करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एल पी डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू ये आपका रेशियो आपको हमेशा काम आएगा चाहे कोई भी केस हो चाहे केस वन हो चाहे केस टू हो चाहे केस थ्री हो आपको ये रेशियो हमेशा काम आएगा यहां पर आपका रेशियो निकल रहा है ट्वेंटी थ्री एटी एट डिवाइडेड बाय फिफ्टी फोर आप इस रेशियो में अपने आर ओ असेट को बुक करोगे और गेन का भी रिकॉग्निशन इसी रेशियो के हिसाब से होगा आया समझ में कि नहीं तो आर को कैसे बुक करेंगे आर को बुक करने का तरीका आर को बुक करने का तरीका जो भी आपके असेट की कैरिंग अमाउंट है उसमें यह रेशियो मल्टीप्लाई करो आप अपने आर को बुक करोगे अलग से अगर आप कोई डीपी पे कर रहे हो तो अलग बात है तो आपका कैरिंग अमाउंट कितना है यहां पर कैरिंग अमाउंट कितना है असेट का कैरिंग अमाउंट है आपका थर्टी लैख तो आप अगर आर ओ यू निकालोगे तो आपका आर ओ यू कितना निकलेगा थर्टी मल्टी थर्टी लैख मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी थ्री एटी एट डिवाइडेड बाय फिफ्टी फोर जब आप यह करोगे तो आपका आर ओ यू अट आ जाएगा थर्टी लैख का ये आपका आ गया थर्टीन टू सिक्स 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 सेवन ये आर ओ यू सेट में आपको सजेस्टेड आंसर में दिखा देता हूं आपको सजेस्टेड आंसर में फाइनली दिखा देता हूं ये देखिए आपका आरओयू ओ असेट आ गया थर्टीन टू सिक्स 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 ठीक है ये तो आपका आरओयू आ गया अब आपका टोटल गेन कितना आया था टोटल गेन आपका आया था ट्वेंटी फोर लाख का टोटल गेन आपका ट्वेंटी फोर लाख आया था तो टोटल गेन टोटल गेन में से आप गेन ऑन रिटेन्ड पार्ट माइनस कर दोगे रिटेन्ड पार्ट मतलब जो असेट आपने लीज पर वापस ले ली तो उतना पोर्शन तो आपने सेल किया ही नहीं तो रिमेनिंग आपका गेन आ जाएगा रिक्नाइज पार्ट तो टोटल तो गेन आपका कितना था टोटल गेन आपका था ट्वेंटी फोर लैख ट्वेंटी फोर लैख में से रिटेन पार्ट का गेन कैसे निकलेगा ट्वेंटी फोर लैख मल्टीप्लाई बाय वही रेशियो वही रेशियो जो ये वाला हमने रेशियो दिखा रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एलपी डिवाइड बाय फेयर वैल्यू वही रेशियो तो वही रेशियो हमने देखा ये आपका आ गया 2388 थ्री एटी एट डिवाइड बाई फिफ्टी फोर हंड्रेड यह आप retained part वाला गेन हटा दोगे तो 24 में से आप ये हटा दोगे इंटू ट्वेंटी डिवाइड बाई फिफ्टी ये हटा दोगे 24 में से तो आपका रिमेनिंग पार्ट बचेगा थर्टीन लैख थर्टी अगर आप देखोगे तो आपने गेन बुक किया ये देखिए

आर ओ यू असेट अकाउंट डेबिट आप बुक करोगे थर्टीन ट्वेंटी सिक्स 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 सेवन इसके अलावा आपको बैंक प्रोसीड्स आया सिक्सटी लाख रुपीज का इसके अलावा आपका असेट चला गया थर्टी लाख रुपीज का इसके अलावा आप लीज लाइबिलिटी बुक करोगे ट्वेंटी थ्री एटी एट इसके अलावा आपका लोन बुक होगा सिक्स लाख रुपीज का आप चाहो तो दोनों को ऐड भी कर सकते हो इसके अलावा आपका गेन रिकॉर्ड होगा थर्टीन थर्टी एट सिक्स सिक्स सेवन आई होप आपका ये टैली हो जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी तो केस टू मैंने आपको क्या पढ़ाया केस टू मैंने आपको पढ़ाया कि अगर सेल वैल्यू ज्यादा हो तो रिमेनिंग अमाउंट को लोन मानेंगे और लोन अमाउंट को टोटल प्रेजेंट वैल्यू में से माइनस करोगे तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एलपी निकलेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एलपी निकालना बहुत जरूरी है ताकि हमें रेशियो मिले अब मैं आपके साथ केस थ्री डिस्कस कर रहा हूं केस थ्री है जब सेल वैल्यू फेयर वैल्यू से कम हो अभी वाले एम वाले क्वेश्चन में सेल वैल्यू आपका 60 लाख बोलूं सेल वैल्यू सपोज मैं आपको बोलूं कि सेल वैल्यू आपका है सेल प्राइस मान लो आपका है 50 और फेयर वैल्यू है 54 और आपका कैरिंग अमाउंट है 30 ऐसे केस में ऐसे केस में आप पहली बात तो गेन अभी भी टोटल गेन आज भी आपका ट्वेंटी फोर ही रहेगा गेन हमेशा आपका गेन हमेशा आपका सेम फॉर्मूला लगेगा गेन का जो मैंने आपको बताया था गेन का आपका सेम फॉर्मूला लगेगा बेटा गेन का सेम फॉर्मूला मैंने क्या बोला ये फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट गेन आपका टोटल गेन इसी फॉर्मूले से ही निकलेगा ठीक है तो गेन तो वैसे ही निकलेगा बट इस बार मैं मार्केट में मुझे बेचना चाहिए 54 में मैं बेच रहा हूं 50 में ऐसा क्यों मुझे 54 आने थे पर मैं 50 में बेच रहा हूं कोई बात नहीं इसको हम डीपी हम इसको डाउन पेमेंट मान लेंगे फोर लाख रुपीज का और ये डीपी आपके आर अमाउंट में जाके ऐड हो जाएगा इसीलिए मैंने यहां पर बोला है कि जो भी आप आर अमाउंट इस रेशियो के हिसाब से निकालोगे अलग से डीपी आपको ऐड करना पड़ेगा अंडर केस थ्री मैं फिर से बता देता हूं अगर असेट को मैं मार्केट में बेचता तो फिफ्टी में बेचता पर मैं अब जिसको बेच रहा हूं उसको फिफ्टी में बेच रहा हूं क्यों क्योंकि मैं उसको फिफ्टी में बेचता फिर मैं उससे असेट लीज पर वापस लेता फिर मैं उसको डाउन पेमेंट देता तो मैं उसको बोल रहा हूं भाई देख अल्टीमेटली मैं तुझे मैं तुझे 54 में बेचूं तू मुझे 54 लाख रुपीज पे करे फिर तू मुझसे 4 लाख रुपीज का डाउन पेमेंट ले तो नेट नेट तो फिफ्टी हुआ ना चल एक काम कर तू तो मुझे फिफ्टी में दे, दे। तो मैं मैं मानते हुए अपनी की असेट में, असेट में कर दूंगा। और ये वाला तीसरा केस जो बच गया, ये बहुत सिंपल बच गया। सेल और फेर सेम है तो फिर ना की है, ना लोन की जरूरत है आपका बिल्कुल सिंपल आएगा पर याद रखना आरओ को प्रपोर्शनिटी रिकॉर्ड करना है गेन का ट्रांसफर पोर्शन रिकॉर्ड करना है दोनों के लिए एक रेशियो लगेगा रेशियो बी द रेशियो ऑलवेज बी द सेम ठीक है तो ये हो गया आपका सेल एंड लीज बैक अगर आप देखोगे तो आपका सेल एंड लीज बैक का क्वेश्चन जो अभी आया एमटीपी का वो मैंने अभी आपको करवा लिया सो गाइज दिस वॉज योर सेल एंड लीज बैक इसके अलावा

ये वाला ट्रांजिशनल प्रोविजन का जिसमें इंडेस इंडिया को अगर फर्स्ट टाइम कोई अप्लाई करता है तो ट्रांजिशनल प्रोविजन जिसमें मॉडिफाइड अप्रोच अप्रोच और उसमें उल्टरनेट वन टू फुल अप्रोच, ये याद है ना आपको ये करना पड़ता है ये पूरा क्वेश्चन मैंने सिखाया है उसका क्यू से आपको अवेलेबल हो जाएगा मैं आपको पर्सनली बोलूं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए मैंने चार्ट बुक में भी उसको कवर नहीं किया है एंड आई डोंट बिलीव कि वो आएगा बट मेरे कहने से क्या होता है बेटा इंस्टीट्यूट तो कुछ भी कर सकता है है ना मैं कह दूं कि नहीं आएगा तो इसका मतलब नहीं थोड़ी आएगा पर मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको लगे तो आप उसको जरूर कर सकते हो टाइम हो तो करके जाना वो so guys, ये था हमारा ओवरऑल क्वेश्चन डिस्कशन मस्ट डू जो भी मैंने आपको दिए उनमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए वन वन सिक्स को मैंने इस तरीके से आपको कंप्लीट करवाया है आई होप यू गेट दिस पॉइंट ओवरऑल आपको क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा वन वन सिक्स का आप मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो अदरवाइज हम अपना ये लेक्चर आज का खत्म कर रहे हैं याद रखिएगा नेक्स्ट लेक्चर जो मैराथन का होगा वो मैं कल लूंगा सुबह साढ़े आठ बजे उसमें मैं बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन कवर करूंगा मैं उसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन कवर करने वाला हूं यस गाइस बोलिए यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए नहीं तो बस यही कहना चाहूंगा कि आई होप आपको ये पूरा वन वन सिक्स समझ में आ गया वन वन सिक्स मैं चैलेंज से बोल सकता हूं कि इतना करने के बाद आपको सिर्फ वो जो मस्ट डू क्वेश्चन है वो एक बार ढंग से देख लेना जो जो हमने नहीं देखे वो एक बार देख लेना विद इन हाफ विद इन वन आवर आप अगर क्वेश्चन देख लोगे या एक डेढ़ घंटे में आपका वन वन सिक्स पूरा कंप्लीट मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक या मोस्ट मोर फोकस एरिया तो देखो मोर फोकस एरिया पॉइंट नंबर लेसी की अकाउंटिंग आर ओ यू लीज जिसके अंदर रीमेजरमेंट आ जाए वेरिएबल लीज पेमेंट्स इंडेक्स और रेट बदल जाए जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया था ये वाला एग्जाम्पल करवाया था ये वाला अच्छा एक चीज और बोलूंगा बच्चों को आप एग्जाम्पल नंबर थ्री खुद रेफर करना डाउनलोड कर लिया होगा नोट्स वगैरह तो नहीं एग्जाम्पल नंबर थ्री नहीं सॉरी एग्जाम्पल नंबर फोर फॉरन करेंसी पर बहुत कम है, इसके चांसेस पर फॉरेन करेंसी पर कैसे होगा पूछ सकता है इंडिया ट्वेंटी वन के साथ मिक्स करके दिया तो आजकल वो मिक्सिंग मिक्सिंग करता है तो वो कर लेना तो फोकस एरिया बात करें तो लेसी की अकाउंटिंग रीमेजरमेंट और मॉडिफिकेशन सबसे बड़ा फोकस एरिया सबसे पहले दूसरा फोकस एरिया सेल एंड लीज बैक दूसरा फोकस एरिया सेल एंड लीज बैक तीसरा फोकस एरिया लीज नॉन लीज कॉम्पोनेट लीज नॉनलीज पर क्योंकि नवंबर 23 में लीज नॉन लीज कंपोनेंट आ चुका है तो मुझे चांसेस कम लग रहा है पर फिर भी लीज नॉन लीज कंपोनेंट चौथा तो फोकस एरिया लेसर का मॉडिफिकेशन तो मैं चार फोकस एरिया मैंने आपको बताए हैं क्या क्या बताया मैंने आपको चार फोकस एरिया लेसिस बुक्स प्लस रीमेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी ठीक है दूसरा दूसरा लीज नॉन लीस कंपोनेंट तीसरा तीसरा डीलर लेसर ठीक है चौथा चौथा लीज मॉडिफिकेशन दोनों का लेसी लेसर का लीज मॉडिफिकेशन लेसी लेसर का और पांचवा सेल एंड लीज बैक ये मेजर फोकस एरिया है मेजर फोकस एरिया ठीक है थीके? बस मास्टर डू क्वेश्चन में आपको बोलूंगा एक भी छोड़ के मत जाना सब लगा लो जितनी देर में लगा सकते हो जितनी जल्दी लगा सकते हो एक घंटा डेढ़ घंटा सब क्वेश्चंस एक बार देख लो बात खत्म आपको वन वन सिक्स में और कुछ देख के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है बेटा थैंक यू सो मच गाइस अगर आपने लेक्चर पूरा देखा है या लेक्चर जितना भी देखा है पसंद आया तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक लाइक जरूर करिएगा आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहा हूं बस मुझे आपसे अप्रिसिएशन चाहिए लाइक के फॉर्म में आप इस लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा ताकि जितने ज्यादा लाइक्स होंगे उतना आगे ये लेक्चर बाकी लोगों में जाएगा तो मैं सोचूं कि लाइक करने वाले हो लाइक टारगेट रखें क्या चलो मैं इस इसका लाइक टारगेट रख रहा हूं लाइक टारगेट रखता हूं 500 लाइक्स ठीक है so, सो लाइक टारगेट रख रहा हूं मैं 500 लाइक्स कोशिश करके प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज इस लेक्चर को लाइक करिएगा और हम इसके टारगेट को कंप्लीट करेंगे गाइस अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन में थैंक्स गाइस बाय बाय टेक केयर बाय बाय टेक केयर और आप मुझे कमेंट में यह भी बता सकते हो कि आपको जो मैंने शेड्यूल दिया है उसके अलावा मैं मेजर टॉपिक तो करवा रहा हूं आपको ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिसको आपको क्विक चार्ट रिविजन चाहिए ऐसे कोई टॉपिक है जिनके आपको क्विक चार्ट रिविजन चाहिए वो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में ताकि मैं उनको भी आपको प्रिपेयर करके दू ठीक है क्योंकि मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट चार्ट बुक आपको दे चुका हूं कंप्लीट चार्ट बुक आपको दे चुका हूं अगर आपको लगता है कि आपको कुछ क्विक चार्ट रिविजन चाहिए वीडियोस के फॉर्म में विद इन फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स में तो मैं आपको क्विक चार्ट रिविजन देने की कोशिश करूंगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएगा ठीक है इंडेज ट्वेल्व ओके सर जी ठीक है चलो इंडेज ट्वेल्व ठीक है थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच अपने दोस्तों के साथ इस, इस पूरे लेक्चर को शेयर जरूर करना लॉट गाइस बाय बाय टेक केयर मिलते हैं कल की क्लास में बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन के साथ थैंक यू सो मच